हेलो हेलो हेलो, क्या हाल है? इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है यार। मैं हूँ प्रीतिका कौल, एक नीट कोच पिछले 8 साल से, और ये मेरा खुद का यूट्यूब चैनल है। और आपका बहुत बहुत स्वागत है यार। नमस्कार, किमोन आछे, केम चो मजामा, वारे चू ठीक पर, इट्स सब बढ़िया, किद्दा भाई? तो यार चलिए यार स्टार्ट करते हैं ब्रायोफाइटा से। यार ब्रायोफाइट्स को देख के ही आपको क्या नज़र आ रहा है? दिस इज़ अ मॉस फॉरेस्ट। यार मॉसेस या ब्रायोफाइट जो है ना, बड़े सुंदर से प्लांट्स होते हैं। ये ना बड़े मखमली सा एहसास देते हैं। मखमली सा एहसास इसलिए क्योंकि यार ये एक ऐसे प्लांट्स हैं जो ना मॉइस्चर के बहुत पास में रहते हैं, पानी के बहुत पास में रहते हैं। इस कारण वर्ष पानी की वजह से दे हैव दिस वेलवेटी सॉर्ट ऑफ अपेयरेंस। तो यार ये है आपके मॉसेस, ये हैं आपके मॉसेस, ये हैं आपके मॉसेस। यार मैंने YouTube पे ऑलरेडी किंगडम प्लांट किंगडम में एलगे पढ़ा दिया है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप ना मेरे नाम के साथ सर्च कर सकते हो, प्रीतिका कॉल एलगी, तो आपको एलगी मिल जाएगा। प्लांट किंगडम में पहला मेंबर एलगी है, फिर ब्रायो है, फिर टेडो है, फिर जिम्नो है, और फिर एनजीओ है। पांच मेंबर्स हैं। आज का टॉपिक है डिविजन ब्रायोफाइटा। यार इसमें सच बता दूँ ना, नीट में एक क्वेश्चन आने का स्कोप है। हो सकता है ना भी आए, लेकिन अगर आप 11th क्लास के हो तब तो ज़रूरी आएगा ना। 11th क्लास को तो करना ही है, और यार रिपीटर्स को तो कुछ छोड़ना ही नहीं है ज़िंदगी में। अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट विद द ब्रायोफाइट्स, मुझे लगता है आपको एक अंडरस्टैंडिंग में ज़रूर दे दूँ, उससे ना बच्चों को आइडिया रहता है कि हो क्या रहा है ज़िंदगी में। सबसे पहले तो यार आप ना एक डब्बा बना लो अपनी कॉपी में, डब्बा बना लीजिए, डब्बा बना दीजिए, और इस डब्बे में पांच मेंबर्स बना दो, पांच मेंबर्स बना दो। नंबर वन विल बी एल्गी, एल्गे, देन यू राइट डाउन ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइटा, देन यू राइट डाउन टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा, देन यू राइट डाउन जिम्नोस्पर्म्स, एंड लास्टली यू राइट डाउन एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। यार ये पांच मेंबर्स हैं, ये पांच मेंबर्स हैं, ये पांच मेंबर्स को अब आप ऐसे करो, एक एक की डाई, एक एक लाइन खींचो। मैं बता रही हूँ क्या करने जा रहे हैं हम लोग, कि ना आपको आइडिया रहे कि जब जब ये वर्ड यूज़ होगा, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, तो आपको ना पता हो कि क्या हो क्या रहा है ज़िंदगी में। यार इतनी चीज़ थोड़ा सा आइडिया रख लो दिमाग में, गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड। गैमेटोफाइट कैसा होता है, गैमेटोफाइट कैसा है, इट इज़ एन। और स्पोरोफाइट कैसा है यार, स्पोरोफाइट एक ऐसा टिश्यू है जो कि 2N होगा, इट विल बी 2N। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर है सबको, इतनी चीज़ क्लियर है। अब यार फटाफट से इस डब्बे में एक डायगनल बना दो, खींचो एक डायगनल एंड तक, सही खींची हमने, थोड़ी टेढ़ी होगी बट चलेगा। चलो एक बारी और बनाते हैं, एक लाइन खींचे, इससे ना आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं ज़िंदगी में। ठीक है, नहीं आओ तो यार ये आपने देखा एल्गी, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एनजीओ। मैंने कहा गैमेटोफाइट हमेशा एन रहता है, स्पोरोफाइट हमेशा 2N रहता है। यार फटाफट से अपनी कॉपी में लिखें कि यहाँ पे नीचे वाली साइड लिखें गैमेटोफाइट, ऊपर वाली साइड लिखें स्पोरोफाइट। कहने का मतलब एल्गी के अंदर गैमेटोफिटिक बॉडी इज हाईली एडवांस्ड। गैमेटोफाइट में बड़ा सा लिख रही हूँ जी, ये देखो गैमेटोफाइट सबसे बड़ा यहाँ, फिर यहाँ गैमेटोफाइट थोड़ा छोटा, फिर यहाँ गैमेटोफाइट और छोटा, फिर यहाँ गैमेटोफाइट और छोटा, और सबसे छोटा यहाँ। यानी कि इसका क्या मतलब है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, एल्गी से हम एंजियोस्पर्म की तरफ जाएंगे, तो गैमेटोफिटिक बॉडी यानी कि हैप्लॉइड बॉडी, यानी कि हैप्लॉइड सेल्स या टिश्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे। और क्या देखेंगे हम लोग, तो बढ़ेगा क्या वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये चीज़ तो समझ आई ना। यानी कि एल्गी में सबसे ज़्यादा क्या है, हैप्लॉइड बॉडी है, गैमेटोफिटिक बॉडी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट है, ठीक है, और एंजियोस्पर्म में गैमेटोफिटिक बॉडी सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड है। दूसरी चीज ऊपर की तरफ लिखेंगे स्पोरोफाइट, एस लिखेंगे। एल्गी में स्पोरोफाइट सबसे छोटा, ब्रायो में फिर बढ़ गया, फिटेडो में और बढ़ा, जिम्नो में और बढ़ा, एनजीओ में सबसे ज्यादा बढ़ गया। दिस इज हाउ इट इज। तो यानी कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे डिविजन में, वैसे वैसे स्पोरोफिटिक कंडीशन यानी कि डिप्लॉयड डिप्लॉयड कंडीशन बढ़ती चली जाएगी, ये बात समझना है। अब अगर मैं आपको एल्गी की शक्ल बताऊं कैसी है, एल्गी की जो मेन बॉडी है इट इज़ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो यार ऐसा स्ट्रक्चर है, फटाफट से देखो, यानी कि गैमेटोफिटिक बॉडी ऐसी है इसकी, ऐसी है। स्पोरोफाइट के नाम पे एल्गी में पता क्या है, सिर्फ एक सिंगल सेल है, दैट इज़ जाइगोट, एक सिंगल सेल जो दिखाई भी नहीं देगी। दिस इज़ द गैमेटोफाइट, दिस इज़ द स्पोरोफाइट। ब्रायोफाइट जो आज आप पढ़ने जा रहे हो,
इसमें आप ये देखेंगे कि यार इन ऑर्गेनिजम्स में हैप्लॉइड टिश्यू भी काफ़ी डोमिनेंट है और डिप्लॉइड टिश्यू भी बराबर बराबर है, तो यार बहुत कम कुछ नहीं है, ये भी मल्टाइसेल्ड है, ये भी मल्टाइसेल्ड है। तो आपको यहाँ पे गैमेटोफाइट दिखाई देगा, अच्छा खासा लीफी गैमेटोफाइट बनाएंगे आज हम लोग, ठीक है। स्पोरोफाइट भी है, स्पोरोफाइट भी है, इनफैक्ट स्पोरोफाइट जो है ना वो गैमेटोफाइट से ही ओरिजिनेट करता है। ये स्पोरोफाइट होगा, यहाँ पे होगा, देखेंगे हम इसको। फिर कमिंग टू टेडोफाइट, टेडोफाइट में भी अगेन गैमेटोफाइट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, लेकिन अब बताओ इससे ज़्यादा एडवांस होगा या इससे कम एडवांस होगा? टेडोफाइट में गैमेटोफाइट इससे ज़्यादा एडवांस होगा या कम एडवांस होगा? कम एडवांस होगा ना, जी छोटा कर दिया ना मैंने। तो यार यहाँ पे आपको गैमेटोफाइट के नाम पे आपको एक ऐसा प्रोथैलस सा दिखाई देगा, ठीक है, जो कि इस वाले से लेसर एडवांस है, ठीक है। आगे जाके आपको और छोटे दिखने लगेंगे गैमेटोफाइट, और छोटे दिखने लगेंगे गैमेटोफाइट। आगे जाके आपको गैमेटोफाइट भी दो दिखाई देंगे, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा, फ्यू सेल्ड होगा कि आप सेल भी गिन सकते हो। और यार हमने नहीं एंजियोस्पर्म्स में पढ़ा था कि यार फीमेल गैमेटोफाइट इज 7 celled 8 nucleated, याद करो, एम्ब्रायो सैक। और मेल वाला क्या था, पॉलन ग्रेन था, या तो 2 celled है या तो 3 celled है, याद करो। तो आगे जाके गैमेटोफाइट और रिड्यूस्ड है, लेकिन पीछे पीछे गैमेटोफाइट बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, और आगे आगे जाके स्पोरोफाइट बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एडवांस हो जाएगा। आप ये देखेंगे कि इन सब में, ब्रायो में, जिम्नो में, सॉरी टेडो में, जिम्नो, रेंजियो में, इन सब में स्पोरोफाइट के नाम पे आपको मिलेगा ट्रू स्टेम, इन सब में मिलेगा आपको ट्रू स्टेम भी मिलेगा, ट्रू रूट भी मिलेगा और ट्रू लीफ भी मिलेगा। किस में? यहाँ से लेकर यहाँ तक, पर यहाँ पे नहीं, ब्रायोफाइट्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। यार फटाफट से ना एक नाम लिख दो कि इनके लाइफ साइकिल को क्या बोलेंगे। एल्गी के लाइफ साइकिल को आप बोलोगे हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल। हैप्लोंटिक यानी कि पूरी की पूरी बॉडी कैसी है, हैप्लॉइड है, लेकिन डिप्लॉइड स्टेज भी है, लेकिन वो सिर्फ फ्यू सेल, सिंगल सेल्ड है, ठीक है। तो यार ऐसे लाइफ साइकिल को बोलते हैं, बच्चे यहाँ पे लिख रही हूँ मैं, ऐसे लाइफ साइकिल को बोलते हैं हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल। क्या बोलोगे? हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल। अब आता है ब्रायो और टेरिडो। यार ब्रायो और टेरिडो, इन दोनों में जो लाइफ साइकिल है, इन दोनों का लाइफ साइकिल है हैप्लोडिप्लोंटिक, क्योंकि आप ये देखो 2N भी काफ़ी डोमिनेंट है, मल्टी सेल्ड होगा, और N भी मल्टी सेल्ड है, तो ये दोनों है राजे हैप्लोडिप्लोंटिक, हैप्लोडिप्लोंटिक, ये दोनों हैप्लोडिप्लोंटिक है, ये दोनों हैप्लोडिप्लोंटिक है। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, दीज टू आर डिप्लोंटिक, ये ना हमारे जैसे हैं, हमारे जैसे, यानी कि जैसे हम नहीं होते हैं, हमारी मेन बॉडी कैसी है, अगर मैं आपको हेलो करने जाऊँ हाय, तो यार क्या मैं डिप्लॉइड सेल्स को हेलो कर रही हूँ या हैप्लॉइड सेल को हेलो कर रही हूँ? डिप्लॉइड को कर रही हूँ, यानी कि मेजर बॉडी जो है आपकी वो कैसी है? डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, डिप्लॉइड। हैप्लॉइड भी है हमारे पास गैमिट्स, जो आंखों से दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, सिंगल सेल्ड है ना। तो यार ऐसे लाइफ साइकिल को आप क्या बोलोगे? डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। क्या बोलोगे? डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। और इसका ये किसका ऑपोजिट है? एल्गी का, विच इज हैप्लोंटिक लाइफ साइकिल। और जो यार इन दोनों के बीच का है, जो ना कि मतलब पूरी बॉडी का, अगर आप ब्रायोफाइट को हेलो करने जाओगे तो कुछ इसमें हैप्लॉइड टिश्यू भी होगा, कुछ डिप्लॉइड टिश्यू भी होगा, तो क्या होगा? हैप्लो डिप्लोंटिक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी अंडरस्टैंडिंग हमको क्लियर हो गई कि हम क्या करने वाले हैं। चलो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद ब्रायोफाइट्स। अभी तक ब्रायोफाइट स्टार्ट नहीं किया हमने। ये शक्ल देख लो भाई, ब्रायोफाइट्स इतने सुंदर होते हैं, ठीक है, मॉसी स्ट्रक्चर, मॉसी आप कह सकते हो, वेलवेटी स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स राइट डाउन क्या इनकी खूबियां हैं, क्या इनके फीचर्स हैं। सो दिस इज़ द टेबल फॉर फीचर्स। आप भी अपनी कॉपी में ऐसा टेबल जैसा बना सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज़ मैं लिखूंगी, फर्स्ट वर्ड दैट इज़ द, आई होप इट इज़ विजिबल, फर्स्ट वर्ड हम लोग लिखेंगे व्हाट इज़ द नेम, मतलब ऑल्टरनेट नेम्स, ऑल्टरनेट नेम ऑफ ब्रायोफाइट। क्या बुलाया जा सकता है प्यार से, और क्या बुलाया जा सकता है ब्रायोफाइट को, क्या बोला जा सकता है? आई होप इट इज विजिबल, ऑल्टरनेट नेम ऑफ ब्रायोफाइट्स। बेटा इसको बोलते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियन, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों बोलते हैं एम्फीबियन?
अभी समझाऊंगी, क्योंकि इनको पानी भी चाहिए, इनको लैंड भी चाहिए, दोनों चीज़ें चाहिए। इनकी ज़िंदगी को सही करने के लिए इन्हें पानी भी चाहिए, इन्हें लैंड भी चाहिए। लैंड चाहिए नॉर्मल ग्रोथ के लिए, पानी चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है इनको। यार इनको फर्स्ट आर्किगोनिएट्स भी बोलते हैं, आर्किगोनिएट्स भी बोलते हैं। आर्किगोनिया फर्स्ट टाइम यहाँ देखने को मिला है। अभी तक एल्गी में अभी तक सिर्फ ऊगोनियम वर्ड यूज़ करते थे। यार ऊगोनियम वर्ड फीमेल सेक्स ऑर्गन के लिए बोलते हैं, जब फीमेल सेक्स ऑर्गन सिंगल सेल्ड है, उसमें कोई कवरिंग नहीं है, कोई जैकेट नहीं है, तो बड़े वो सस्ते टिकाऊ से थे एल्गी में। लेकिन यहाँ पे ना आर्किगोनिया अच्छा डेवलप हो गया, उसके आसपास और कवरिंग्स वगैरह आ गई। सो फर्स्ट आर्किगोनिएट्स कह सकते हो, या इनको फर्स्ट एम्ब्रायोफाइट्स भी बोलते हैं। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे इसको ना थोड़ा सा आई थिंक यहाँ पे जगह कम बच गई, लेट मी डू दिस थिंग। इसको थोड़ा यहीं पे एडजस्ट करते हैं। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम नीचे लिख रहे हो, और साथ के साथ इन्हें फर्स्ट एम्ब्रायोफाइट भी बोलते हैं। एम्ब्रायोफाइट, फाइट मतलब प्लांट, एम्ब्रायो मतलब एम्ब्रायो बनाने वाले। तो यार पहली बारी धरती पे किसी ने अगर एम्ब्रायो बनाया प्लांट में, वो ब्रायोफाइट्स है। एल्गी में एम्ब्रायो नहीं बनता था, एल्गी में एम्ब्रायो नहीं बनता था, एल्गी में सिर्फ जाइगोट ही था। पर जाइगोट ने फर्स्ट टाइम डिवाइड करना शुरू किया टू फॉर्म एम्ब्रायो इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स। आई होप इट इज़ विजिबल, आई होप इट इज़ विजिबल। ऑल्टरनेट नेम इज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, फर्स्ट एम्ब्रायोफाइट, फर्स्ट आर्किगोनिएट। नाउ सेकेंड पॉइंट, वॉट इज द हैबिटैट, हैबिटैट कैसा है इनका, कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। यार ये पाए जाते हैं मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेसेस में। मैं यहीं पे लिख रही हूँ, लाइन पीछे कोई बात नहीं, या चलो लिख लेते हैं मॉइस्ट एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ह्यूमिड प्लेसेस। यार इनको अभी मैं लिख रही हूँ, एम्फीबियन भी क्यों बोला गया, इनको लैंड चाहिए वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, नॉर्मल ग्रोथ के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, और इनको चाहिए वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। आई होप इट इज विजिबल। रिप्रोडक्शन के लिए इनको चाहिए, मैं फॉर को हटा रही हूँ, सीधा रिप्रोडक्शन लिख रही हूँ, जगह कम बन रही। वाटर चाहिए इनको किसके लिए, वाटर इज नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन। तो यार इसी वजह से हमने क्या बोला, दीज आर एम्फीबियंस, दोनों चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली यार ये हिल्स विल्स में भी पाए जाते हैं, हिल्स में आपने देख लिया, अभी फोटोज़ में भी देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने यार, मुझे नहीं पता आपको मेरा वीडियो कभी पहले देखा या नहीं देखा है, बट यूट्यूब पे आई हैव टॉट दिस थिंग। यार ब्रायोफाइट्स आर दी पाइनियर्स, वन ऑफ द पाइनियर्स, कहने का मतलब है जहाँ अभी ज़िंदगी शुरू भी नहीं हुई है, पहले तो लाइकन्स आते हैं, लाइकन्स के बाद मॉसेस आते हैं। सो दे हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन, यानी कि सक्सेशन जहाँ लाइफ स्टार्ट भी नहीं हुई है, वहाँ से लाइफ स्टार्ट करना। सो या दे आर पाइनियर्स ऑल्सो, इम्पॉर्टेंट रोल इन सक्सेशन, ठीक है। चलिए इतना हमने लिख लिया, नाउ लेट अस राइट डाउन अवर नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन क्या लगता है, रिप्रोड्यूस कैसे करते होंगे यार, सेक्शुअली भी करेंगे और वेजिटेटिवली भी करेंगे, ठीक है। सेक्शुअली तो करेंगे ऑब्वियसली, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो करनी ही करनी है, लेकिन साथ साथ में एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगी, स्पोर नहीं बनेगा, लेकिन फ्रैगमेंटेशन जैसी चीज़ या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ज़रूर होगी। सो सेक्शुअली एंड वेजिटेटिवली, वेजिटेटिवली, वेजिटेटिवली कैसे, बाय फ्रैगमेंटेशन। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है बच्चों, यार जब हमने एल्गी कभी पढ़ा था, एल्गी में हमने ये चीज़ लिखी थी कि एल्गे में क्या होता है, एल्गे के अंदर हमने बोला था कि ना स्पोर्स बनते हैं, अगर आपको याद होगा। मैंने फंजाई भी यूट्यूब पर पढ़ाया है, उसमें भी मैंने बताया था कि यार फंजाई में स्पोर्स होते हैं, जैसे कोनीडियो स्पोर्स हो गए, जैसे जू स्पोर्स हो गए, सो स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का एक स्टाइल है ये। ब्रायोफाइट्स में कभी भी ए सेक्शुअल स्पोर्स नहीं बनेंगे, स्पोर नहीं बनेंगे, ए सेक्शुअल स्पोर नहीं बनेंगे। अगर कोई स्पोर होगा तो वो सेक्शुअल हो सकता है, लेकिन ए सेक्शुअल नहीं होगा।
फंजाई की तरह और एल्गी की तरह अब इसने स्पोर्स के थ्रू ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करना बंद कर दिया है, और आगे जाके टिल आप लोग एंजियोस्पर्म्स तक पहुंचते हो आपको अब ए सेक्शुअल स्पोर नहीं देखने को मिलेंगे, मतलब जू स्पोर को, नीडियो स्पोर, ये कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये चीज लिख लीजिए सेक्शुअली एंड वेजिटेटिवली, और रेड पेन से लिखे ए सेक्शुअल स्पोर्स विल नॉट बी सीन टिल एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स तक अब आपको कभी भी यहाँ पे ए सेक्शुअल स्पोर्स नहीं देखने को मिलेंगे, ये चीज लिख लो, कभी भी नहीं देखने को मिलेगा, खत्म, वो स्टोरी खत्म हो गई, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, क्या यार इनकी प्लांट बॉडी कैसी है, क्या इनकी बॉडी में अब है तो प्लांट है, तो क्या प्लांट में स्टेम है, रूट है, लीफ है? नहीं, इसमें यार ट्रू स्टेम भी नहीं होगा, ट्रू रूट भी नहीं होगा, और ट्रू लीफ भी नहीं होगा। अब आप बोलोगे मैम कैसे यार ट्रू रूट, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम किसको बोलते हैं? सुनो यार, ट्रू स्टेम का मतलब है जो प्लिम्यूल से निकले, ट्रू रूट का मतलब है जो रेडिकल से निकले, और ट्रू लीफ का मतलब है जो अपनी नोड से निकले। तो अगर यार इनमें ऐसा कुछ नहीं है, कहीं से भी कुछ भी हो रहा है, ठीक है, तो ट्रू स्टेम, रूट और लीफ नहीं मिलेगा, लेकिन रूट लाइक स्ट्रक्चर ज़रूर मिलेगा, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर ज़रूर मिलेगा, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो यार यहाँ लिखेंगे प्लांट बॉडी, यहाँ पे मैं इधर इसी जगह पे लिख रही हूँ ट्रू स्टेम, ट्रू स्टेम, टू स्टेम, लीफ, रूट एब्सेंट, ये नहीं होगा, ठीक है, ये एब्सेंट है, ये एब्सेंट है, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगा, रूट लाइक राइजोइड मिलेगा, रूट लाइक स्ट्रक्चर होगा राइजोइड, स्टेम लाइक कैलोइड, एंड लीफ लाइक, एंड लीफ लाइक फिलोइड, फिल का मतलब ही होता है पत्ता, फिलोइड, ठीक है, तो लीफ लाइक फिलोइड, क्या बोल रही हूँ, ट्रू स्टेम, रूट और लीफ एब्सेंट है, लेकिन रूट लाइक राइजोइड जरूर मिलेगा, स्टेम लाइक कैलोइड जरूर मिलेगा, एंड लीफ लाइक फिलोइड इज फाउंड, ठीक है, इज प्रेजेंट या इज फाउंड। बात समझ में आ गई, मैंने बता दिया यार ट्रू स्टेम, रूट और लीफ किसको कहते हैं, स्टेम जो कि प्लिम्यूल से निकले, रूट ट्रू रूट वो वाला जो रेडिकल से निकले, और लीफ वो वाला ट्रू लीफ जो नोड से निकले। फटाफट से लिख लो अपनी कॉपी में, मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, साइड पे ऊपर कहीं लिख लेना मार्जिन के आसपास, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी कैन राइट डाउन इज अबाउट देयर गैमीट ट्रांसफर, गैमीट कैसे ट्रांसफर होते हैं, गैमीट ट्रांसफर कैसा होता है। या मेरे को एक चीज़ बताओ, आप लोगों ने ये पढ़ा है ना एंजियोस्पर्म्स के अंदर कभी, मैं से उम्मीद कर रही हूँ 9th-10th में तो पढ़ा होगा, अगर आप 11th के हो कोई बात नहीं, आपने ये तो सुना ना कि जैसे प्लांट से पॉलन ग्रेन निकलते हैं और फिर वो उड़ के जाते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो गैमिट तो कैरी कर रहे होते हैं ना, चलो ये बताओ कौन सा गैमिट कैरी कर रहे होते हैं, मेल गैमिट कैरी कर रहे होते हैं, है ना, तो यार पॉलन ग्रेन्स मेल गैमिट को लेके जाते हैं दूसरी जगह, है कि नहीं यार, ऐसे मैकेनिज्म को बोलते हैं साइफोनोगैमी, क्या बोलते हैं साइफोनोगैमी, SIPHONOGAMY, जब पॉलन ग्रेन गैमीट्स को उठा के एक जगह दूसरी जगह ले जाए उसे आप कहेंगे साइफोनोगैमी। लेकिन बेचारे ब्रायोफाइट्स अभी बहुत गरीब है यार, गरीब एज इन यार अभी तो यार एल्गी से थोड़ा एक स्टेप बाहर निकले हैं, तो इतनी ज़्यादा उम्मीदें मत लगाओ कि इसमें पॉलन ग्रेन जैसा एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होगा जो इसको लेकर जाएगा, नहीं, यहाँ पर गैमीट्स को धक्का देने के लिए, फीमेल गैमीट तक पहुँचाने के लिए पानी काम करता है, सिंपल, तो दैट इज कॉल्ड ज़ूआइडोगैमी। सो वॉट इज ज़ूआइडोगैमी, सो गैमीट ट्रांसफर अकर्स बाय ज़ूआइडोगैमी, ज़ूआइडोगैमी, दैट इज ट्रांसफर ऑफ गैमिट्स बाय वाटर, पानी से गैमिट जो है ट्रांसफर होंगे। यहाँ पे हमारे पास कोई इतनी लेवरेज नहीं है, इतनी लग्जरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट वी कैन राइट डाउन इज वैस्क्यूलर टिश्यू, वैस्क्यूलर
टिश्यू यार, वैस्कुलर टिश्यू इसमें होगा या नहीं होगा? चलो फिर से हम इसके बारे में बात करते हैं. वैसे मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया है एल्गी में, लेकिन फिर भी यहाँ पे रिपीट कर दे रही हूँ. यार मेरे को एक चीज़ बताओ, आप रहते हो लेट अस से, आप रहते हो अपने बिल्डिंग में 14th फ्लोर पे, ठीक है, और मैं रहती हूँ आप ही की बिल्डिंग में 1st फ्लोर पे. मुझे बताओ किसको मोटर पंप की ज़रूरत है, पानी के पंप की ज़रूरत किसको है, पानी किसको ऊपर तक चाहिए, किसको पंप की ज़रूरत है, मेरे को या आपको? ऑफकोर्स आपको, आप 14th फ्लोर पे रहते हो, आपको चाहिए पानी का एक ज़ोरदार झटका, है ना. मेरे को तो पंप की ज़रूरत नहीं है. तो यार अब ऐसा सोचो, ऑर्गेनिजम्स लाइक एल्गी जो एक्वाटिक थे, जो पानी में डूबे हुए थे, उनको वैस्कुलर टिश्यू की ज़रूरत है, या जो एंजियोस्पर्म जो एकदम पहाड़ वहाड़ पर है जहाँ पानी का लेना देना नहीं है, या डेजर्ट एरिया, ऑब्वियसली एंजियोस्पर्म को ज़रूरत है. तो यार ब्रायोफाइट में मैंने क्या बोला, बड़े मखमली सा एहसास है इनका, ये पानी के आसपास रहते हैं. तो क्या लगता है इनको, जो पानी के आसपास ही रहते हैं, इनको वैस्कुलर टिश्यू की ज़रूरत है? नहीं, इनके पास वैस्कुलर टिश्यू बने ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं पड़ी. तो आप देखो भगवान जी की माया, जिसको ज़रूरत है उसने बना ली है अपने वैस्कुलर टिश्यूज़. एंजियोस्पर्म ने सबसे ज़्यादा हाईली एडवांस वैस्कुलर टिश्यू कर लिए हैं क्रिएट, सारे कॉम्पोनेंट्स एकदम खट 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 खट, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम सेरेन्काइमा, एंड सीव ट्यूब्स, एंड तुम्हारा सब कुछ है उसके अंदर, ट्रैकीड्स, वेसल्स, ठीक है. तो यार यहाँ पे वैस्कुलर टिश्यू एबसेंट हो गए, एबसेंट है, लेकिन वाटर कंडक्शन तो होगा, प्लांट को पानी तो चाहिए. वाटर कंडक्शन अकर्स थ्रू कैपिलरी एक्शन. अब आप मेरे को ये मत बोलना कि मैम हमें कैपिलरी एक्शन नहीं पता है, मेरा दिल टूट जाएगा बहुत ज़्यादा. यार बचपन में तो हम इतना ज़्यादा खेलते रहते थे, वो जो कैपिलरी ट्यूब, नहीं तुम्हारे स्कूल में कभी देखा है? या चलो नहीं है तुम्हारे पास, कोई दिक्कत नहीं है. सुनो, कभी ना एक स्ट्रॉ ले लेना जिससे तुम वो पीते हो, शेक वगैरह पीते हो, उसमें ना ऐसे ना उसको ऐसे सक करना, पहले ऐसे थंब रख लेना उसके एंड पर, जैसे ये मान लो ट्यूब है, उसको ना यहाँ पे बस थंब रखना. आप देखना थोड़ी देर में ना ट्यूब इसके अंदर, आपकी स्ट्रॉ के अंदर ना शेक वैसे ऊपर आ जाता है. तो यार जब आपने इसको दबाया फिर भी ऊपर आ रहा है वो पानी या लिक्विड, उसे कैपिलरी एक्शन कहते हैं, ठीक है. बाकी अपने केमिस्ट्री वाले टीचर को दुखी करो, उनकी जान खाओ, ठीक है. तो यार वैस्कुलर टिश्यू क्या है, एब्सेंट होगा, याद रखिएगा एब्सेंट होगा, लेकिन वाटर कंडक्शन अकर कैसे करता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू अकर करता है, ठीक है. फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टाइप ऑफ स्पोर्स. यार स्पोर्स का यहाँ पे मतलब है, ये स्पोर्स हैं यार सेक्सुअल स्पोर्स हैं. याद रखें जो सेक्सुअल स्पोर्स हैं उन सब का साइज एक समान, अयो एक समान, दैट इज कॉल्ड होमोस्पोर्स. वो क्या होता है मैं बाद में समझाऊंगी, ठीक है. अभी आप लिखो होमोस्पोर्स, एक ही टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, होमोस्पोर्स, ठीक है जी, खत्म. लास्ट इज द रोल. मैंने कहा था रोल क्या है इसका, यार मैंने बताया था द रोल इज सक्सेशन, ठीक है. दे हेल्प इन द सक्सेशन, प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बैरन रॉक यहाँ पे, ठीक है जी. आई थिंक दिस इज क्लियर. तो हमने यार बेसिक बातें लिख दी, ब्रायोफाइट को थोड़ा जान लिया कि कैसा सा होता है. एम्फीबियन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको लैंड भी चाहिए और इसको पानी भी चाहिए. लैंड चाहिए नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिखाया ना आपको गैमी ट्रांसफर के लिए इट नीड्स वाटर, दैट्स कॉल्ड जुआइडोगैमी, ठीक है. तो यार इसलिए पानी चाहिए, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एम्फीबियन बोलते हैं प्यार से, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है. और फर्स्ट आर्किगोनिएट्स भी बोलते हैं, फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट भी बोलते हैं, क्योंकि एम्ब्रायो यहाँ देखने को मिला फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है. इतनी बात समझ में आई, हमने पहले अभी इसकी बेसिक चीज़ें जानी. अब मुझे आपको क्या बताना है यार, द वर्ड गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, जिस पे सारे बच्चे दुखी रहते हैं, मैम क्या गैमेटोफाइट, मैम क्या स्पोरोफाइट, हमें कुछ नहीं समझ आ रहा मैम, हम नहीं पढ़ रहे हैं मैम, छोड़ो यार 11th क्लास बहुत गंदी है यार, मैं नहीं पढ़ना, मैं तो चिल करने कहीं और जाऊँगा यार, या नहीं मैं छोड़ देता हूँ, मैं तो कमर्स ले लेता हूँ. ये कई बार ही ऐसा चैप्टर हो जाता है कि बच्चे इतने डिप्रेस हो जाते हैं. सो आई ऑलवेज फील कि यार काश तुम मुझसे पढ़े होते, तो तुम शायद ऐसा नहीं फील करते. प्रॉब्लम मुश्किल है, उसे भागने का कोई मतलब नहीं है. तुम डॉक्टर भी बनोगे तो तुम ऐसे पेशेंट को देखे थोड़े ना भाग जाओगे, चलना तेरी बीमारी समझ नहीं आ रही, चल जा, मैं नहीं खेल रहा, ऐसा तो होगा नहीं. तो यार वी हैव टू वर्क इन अ वे कि हम कुछ ना कुछ तरकीब निकालें कि मुश्किल से मुश्किल डिजीज़ को भी आप डायग्नोज कर लो, है ना. तो यार चलो स्टार्ट करते हैं, बड़े प्यार से लिखते हैं कि यार क्या गैमेटोफाइट होता है, क्या स्पोरोफाइट होता है, सब समझ आएगा, चिल करो, ठीक है. तो यार सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्लांट बॉडी,
किसकी प्लांट बॉडी है ये? प्लांट बॉडी है किसकी यार, किसकी है ये? ऑब्वियसली बेचारे ब्रायोफाइट की है। प्लांट बॉडी दो टाइप की है, दो तरफा, ठीक है, दो टाइप की इसकी प्लांट बॉडी है। वन इज कॉल्ड गैमेटोफाइट एंड अदर इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। बड़े प्यार से समझना यार, स्पोरोफाइट। वन इज कॉल्ड गैमेटोफाइट, अदर इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। इसको ऐसे खींच दो लाइन और बड़े प्यार से समझने की कोशिश करो, ठीक है। सुनो यार, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट एक ही प्लांट की बॉडी है। जो पार्ट से गैमीट्स निकले उसको आप गैमेटोफाइट बोलोगे, जिस पार्ट से स्पोर्स निकलेंगे उस पार्ट को आप स्पोरोफाइट बोलोगे। सिंपल। सो व्हाट इज गैमेटोफाइट? गैमेटोफाइट इज गैमीट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। व्हाट इज स्पोरोफाइट? व्हाट इज स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट इज स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। धीरे धीरे समझाऊंगी, सब समझ आ जाएगा, सब समझ आएगा, बस बने रहो, वीडियो को एंड तक देखना। मेरा प्रॉमिस है 200% मम्मी की कसम आपको समझ में आएगा, मेरे को पता है, ठीक है। बस आप ना बस बने रहो, आधे में मत छोड़ के जाना, आधे में छोड़ोगे ना और आगे फॉरवर्ड करके देखोगे तब कुछ नहीं होगा, ठीक है। इसलिए प्यार प्यार से देखो, एक बार की गेम है, आराम से समझ आ जाएगा। मैंने कहा गैमेटोफाइट इज अ गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, स्पोरोफाइट इज अ स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर। कुछ समझ नहीं आएगा, मेरे को पता है। अभी इतना याद रखो यार, देखना बच्चे, लेट अस से प्लांट है स्पोरो, ये जो है आपका ब्रायोफाइट है वो एक प्लांट है ना, ठीक है यार। मान लो ये गैमेटोफाइट है, ये ऐसे पत्ते जैसे होंगे प्लांट में, है ना। लेट अस से यहाँ पे एक ब्रांच है, कोई एक ब्रांच है और यहाँ पे दूसरी कोई ब्रांच है। मान लो यार इस ब्रांच में कोई एक एरिया है जहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन है, जहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। और कोई एक ब्रांच है जहाँ पे अंदर छुपा हुआ है फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब यार फीमेल सेक्स ऑर्गन गैमीट बनाएगा, एग बनाएगा, ठीक है, और मेल सेक्स ऑर्गन भी क्या करेगा, गैमीट बनाएगा, मेल गैमीट बनाएगा, ठीक है, विच इज़ स्पर्म। तो यार इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूँ, अब इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं क्या बोलूँ, इस पूरे स्ट्रक्चर को मैं प्यार से क्या बोलूँगी, गैमेटोफाइट बोलूँगी। खत्म खत्म। अब मेरे को बताओ यार, गैमीट्स हैप्लॉयड होते हैं या डिप्लॉयड होते हैं? जो बच्चा बोल रहा है डिप्लॉयड होता है वो अपने आप को एक चांटा मार सकता है, छोटा सा चांटा मार सकता है। सुनो यार, गैमिट्स हमेशा हैप्लॉयड होंगे, तो याद रखना है गैमेटोफाइट हमेशा हैप्लॉयड होगा, ठीक है। गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉयड, बस इतना याद रखना है। और हैप्लॉयड को हम कैसे डिनोट करते हैं? हैप्लॉयड को हम डिनोट करते हैं एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। व्हाट इज स्पोरोफाइट? मैंने कहा स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी और स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरोफाइट। अब यार इसी के ऊपर बना रही हूँ, मान लो ये स्पोरोफाइट है, मान लो ये प्लांट का एक ऑर्गन है, ठीक है। यहाँ पे कुछ सेल्स हैं, ठीक है। मान लो यार बस इतना याद रखो, मान लो इससे कोई ना स्पोर्स बाहर निकल रहे हैं, स्पोर्स उड़ के नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। तो यार ये स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर हो गया, और मान लो ये जो स्पोर्स हैं ये सेक्सुअल स्पोर्स हैं, ये सेक्सुअल स्पोर्स है। अब यार आप इसके बारे में कुछ मत लिखो, नहीं तो आप यार रोने लग जाओगे, इसको ज़्यादा अभी नहीं समझा रही। बस इतना याद रखो, स्पोरोफाइट क्या है? स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है। और अभी सिर्फ इतना रट्टा लगा लो, इट इज़ ऑलवेज डिप्लॉयड, यानी कि 2N। अच्छा यार आपको पता है, इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स स्पोरोफाइट जो है ना, इट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इंटू 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, या इसमें 3 चीज़ें होंगी। वन इज कॉल्ड फुट, वन इज कॉल्ड सेटा एंड अदर इज कॉल्ड कैप्स्यूल। ये क्या है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आराम से पढ़ा रही हूँ यार। ये देखना, यहाँ पे इसको बोलोगे फुट, इसको बोलोगे स्टॉक लाइक इज सेटा, और ये जो पत्ता जैसा दिख रहा है, पत्ता गोभी जैसा, दिस इज कैप्स्यूल। ये क्या करते हैं इसके बारे में अभी कुछ नहीं पढ़ना है, बस मैंने इतना बता दिया। गैमेटोफाइट इज हैप्लॉयड,
ये सेक्स ऑर्गन बियर करेगा, सेक्स ऑर्गन से गैमेट निकलेंगे, क्योंकि गैमेट हैप्लॉइड है इसलिए गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है. तो गैमेटोफाइट इज ऑलवेज हैप्लॉइड एंड इट विल प्रोड्यूस गैमेट्स. व्हाट इज स्पोरोफाइट? स्पोरोफाइट इज इसका जस्ट उल्टा, इट इज डिप्लॉइड एंड इट विल प्रोड्यूस स्पोर्स. इट कैन हैव अदर स्ट्रक्चर्स ऑल्सो लाइक फूट सीटा कैप्सूल, या आप वो मान लो जो हमने कहा ना कि जो ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट में ट्रू स्टेम रूट और लीफ नहीं है, है ना, तो इसमें राइजोइड है, कैलोइड है, फिलोइड है, वो सब यही होगा, स्पोरोफाइट ही होगा वो. ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यार यहाँ तक बात समझ आई, यहाँ तक दिमाग नहीं लगाना था. चलो अब एक बार ही हम लोग ना सेक्स ऑर्गन्स की बात करते हैं. यहाँ पे सेक्स ऑर्गन्स कैसे हैं, लेट अस कम टू द सेक्स ऑर्गन्स वाला पार्ट. फोटो कहाँ गई? ये रही सेक्स ऑर्गन्स. ऊपर लिखते हैं सेक्स ऑर्गन्स इन ब्रायोफाइट्स. यार सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट में कैसे होते हैं, याद रखिएगा, सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर जैकेटेड हैं, यहाँ पे कवर्ड हैं, एंड दे आर मल्टी सेल्ड, यानी कि बहुत सेल्स का बना हुआ है. यहाँ पे देखो बच्चे, ये दो फोटोज हैं, आपको नहीं लग रहा मल्टी सेल्ड है, बहुत सारी सेल्स हैं ऑब्वियसली. तो पहला वर्ड लिखे दे आर मल्टी सेल्ड, दे आर मल्टी सेल्ड एंड दे आर कवर्ड बाय अ जैकेट. ये देखना, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जैकेट, ये कवरिंग देखो, दिस इज द कवरिंग, जैकेट है, जैकेट बनी हुई है, प्रॉपर कवरिंग बनी हुई है, जैकेट जैसे हम पहनते हैं ठंड में, कवरिंग होती है ना, यहाँ पे भी सेक्स ऑर्गन्स के आसपास एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है. सो मल्टी सेल्ड एंड जैकेटेड, कैसे हैं, मल्टी सेल्ड एंड जैकेटेड है. अभी आपको कुछ थोड़ा बहुत कम भी समझ में आएगा, पर जैसे मैं लाइफ साइकिल बनाऊंगी सारी बातें दिमाग में फिट हो जाएंगी, बस ये लास्ट चीज़ है, फिर लाइफ साइकिल है. ठीक है, अब यार इधर देखो, मैंने ये फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग किया हुआ है, मेल सेक्स ऑर्गन अलग किया हुआ है. ब्रायोफाइट में जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो ऐसा दिखाई देता है, बेसिकली ये उल्टा डायग्राम है, ये आपको पता है कैसा दिखाई देता है, ऐसा बैडमिंटन जैसा दिखता है ऐसा. ठीक है, तो ये थोड़ा उल्टा डायग्राम है, या फिर मान लो स्टॉक इस तरफ होनी चाहिए थी, एनी हाउ वो छोड़ दो. तो बेसिकली आपको कैसा दिख रहा है मेल सेक्स ऑर्गन, ऐसा दिखाई दे रहा है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, इसको सिर्फ समझने के लिए. ठीक है, तो यार ये मेल सेक्स ऑर्गन है जिसको आप क्या बोलते हो, एंथ्रीडियम कहते हो. इसके अंदर आप क्या देख रहे हो, ये स्टीराइल जैकेट देख रहे हो, बड़े आराम से दिखाई दे रही है, और इसके अंदर आपको कुछ फर्टाइल सेल्स दिखाई दे रही है, दिखाई बनाई हुई फर्टाइल सेल्स. ठीक है यार, इन फर्टाइल सेल्स को आप कहते हो, इन फर्टाइल सेल्स को आप कहते हो एंड्रोसाइट्स. क्या बोलते हो, एंड्रोसाइट्स, एंड्रो का मतलब ही हो गया ना मेल, एंड्रोसाइट से निकलते हैं एंथीरोजोइड्स. व्हाट आर एंथीरोजोइड्स? एंथीरोजोइड कुछ नहीं है बेटा, मेल गैमेट को बोला है, मेल गैमेट का दूसरा नाम है एंथीरोजोइड्स. आपको जान के थोड़ा सा एहसास होगा, यार यहाँ पे ना मेल गैमेट ऐसे निकलते हैं, ये ऐसे, ये कैसे दिखाई दे रहे हैं, कितना फ्लैजला है, कितने फ्लैजला है, दो फ्लैजला है. तो यार दिस इज बायफ्लैजलेटेड, बायफ्लैजलेटेड कर्व्ड मेल गैमेट्स. तो यार हमें क्या दिखाई दिया, हमने कहा अंदर ये सेल्स हैं, ये एक एक सेल है, ये एक एक फर्टाइल सेल है, ये एक एक फर्टाइल सेल है, ये भी हैप्लॉइड ही होगी, ये भी हैप्लॉइड ही होगी, और इसने मेल गैमेट्स बनाए, एंथीरोजोइड्स बनाए, ये भी हैप्लॉइड ही होंगे. दिखने में कैसे हैं, बायफ्लैजिलेटेड हैं और कर्व्ड है. चलो यार राजे, आप मेरे को बताओ, अगर एंड्रोसाइट सेल्स यानी कि ये जो अंदर वाली सेल्स हैं, इससे अगर मेल गैमेट बन रहा है तो माइटोसिस हुई होगी या मियोसिस हुई होगी, बताना क्या हुआ होगा, माइटोसिस हुई होगी या मियोसिस हुई होगी? जो बच्चे सोच रहे हैं, मियोसिस हुई होगी. राजे मेरे को एक चीज़ बताओ, जो ऑलरेडी हाफ है उसको आप और हाफ कैसे कर सकते हो, ऑलरेडी एंड्रोसाइट्स आर हैप्लॉइड, उससे और हाफ तो मियोसिस हो ही नहीं सकती, तो यानी कि क्या हुई होगी, यानी कि माइटोसिस हुई होगी. एक्चुअली पता है कैसी होती है, एंड्रोसाइट ऐसी होती है ब्रेड के जैसी, ब्रेड को जब ऐसे काटो तो क्या बनता है यार, तो ऐसे दो सैंडविचेस जैसी बनती है ना, ऐसे ही ये एक सेल होती है एंड्रोसाइट सेल, इसको काटो तो यार ये एक बन जाती है एक फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट, और यहाँ से भी एक बनता है एक फ्लैजिलेटेड मेल गैमेट, यानी कि एक एंड्रोसाइट से दो
गैमेट्स बनते हैं। अब वो क्वेश्चन में कोई नहीं पूछ रहा, मैंने बस एक्सप्लेन कर दिया कि आपकी क्यूरोसिटी आंसर हो जाए, ठीक है। सो हमने देखा कि ये मेल मेल सेक्स ऑर्गन है, एंथ्रीडियम है, बायफ्लैजिलेटेड है, ये दिस इज हाउ इट लुक्स, ठीक है, ओवल शेप जैसा है, और इसमें फर्टाइल सेल्स का नाम है एंड्रोसाइट सेल्स, या फिर इनको एंथीरोजॉइड मदर सेल भी बोलते हैं। अभी उस पर मत जाओ, बस इतना लिख लो, एंड्रोसाइट सेल्स, ठीक है, एंड दीज सेल्स विल फॉर्म एंथीरोजॉइड्स, एंथीरोजॉइड्स आर मेल गैमेट्स विच आर बायफ्लैजिलेटेड कर्व्ड, खत्म। नाउ कमिंग टू दिस पार्ट विच इज आर्केगोनियम। आर्केगोनियम क्या है यार? फीमेल सेक्स ऑर्गन है। फीमेल सेक्स ऑर्गन ना, ये देखो, आपको नहीं लग रहा ये वैसा ही है एंजियोस्पर्म में जैसे बना होता था स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, याद करो ऐसे होता था ना, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, नीचे वाला पार्ट स्वोलन पार्ट था, यहाँ पे एम्ब्रायो सैक था, फिर यहाँ पे वो थ्री सेल्ड कंडीशन, यहाँ पे एग होता था, है ना। तो यार यहाँ पे भी आप देखो क्या है, वही चीज़ चल रही है। यहाँ देखना वैसा सा ही डायग्राम है कि आप देखेंगे पहला एक ऐसा ट्यूब्यूलर पार्ट, ऐसे लॉन्ग पार्ट ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लॉन्ग पार्ट, इसको बोलते हैं नेक, और ये बेसल स्वोलन पार्ट, इसको बोलते हैं वेंटर। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं नेक, इसको बोलते हैं वेंटर। नेक के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होंगी, इनको बोलेंगे नेक कैनाल सेल्स। क्या बोलते हैं? जैसे गर्दन होती है सुराई की, वैसी ये नेक कैनाल सेल्स बोलेंगे। और वेंटर के अंदर एग सेल है, और एक और सेल होती है यहाँ पे, और दो सेल्स होती हैं जिनको वेंटर कैनाल सेल कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसको लिख रही हूँ अच्छे से, थोड़ा अभी हमने जल्दबाजी में लिखा समझाने के लिए, ठीक है। तो हमने क्या कहा, मैंने कहा कि यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं दिस इज वेंटर, दिस इज नेक। नेक के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यहाँ अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको आप कहते हो नेक कैनाल सेल्स। याद रखिए दे विल बी 4 to 6 इन नंबर, 4 से 6 होंगी नेक कैनाल सेल्स। वेंटर के अंदर यू विल फाइंड, ये दो गोले बनाए मैंने, वेंटर के अंदर ये क्या है, दिस इज वेंटर कैनाल सेल्स, दिस इज वेंटर कैनाल सेल्स। याद रखिए वेंटर कैनाल सेल्स आर 1 to 2, 1 से 2, या 2 इन नंबर लिख लो, 1 to 2 इन नंबर, ठीक है। लास्ट में आ जाती है एग सेल, ये देखिए एग, एग क्या है हमें पता ही है, एग इज अ फीमेल गैमिट, पता ही है हमें ये फीमेल गैमिट है। तो यार इजी सी बात है, ये हैप्लॉइड होगा, ये सारा हैप्लॉइड ही है, दिस इज ऑल्सो हैप्लॉइड, नेक कैनाल सेल्स, ये सब कुछ हैप्लॉइड ही है, क्योंकि ये कहाँ से बन रहा है, ये गैमेटोफाइट से बन रहा है, ठीक है। तो यार यहाँ पे ये पूरा का पूरा आर्केगोनियम इज हैप्लॉइड, द पूरा का पूरा एंथ्रीडियम इज हैप्लॉइड, सब हैप्लॉइड है, ठीक है, बिकॉज दीज आर गैमिटेंजिया। गैमिटेंजिया का मतलब सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स, यहाँ पर लिख लेती हूँ स्लैश गैमिटेंजिया, ठीक है। यू मल्टीसेल्ड जैकेटेड एंड हैप्लॉइड, ठीक है, हैप्लॉइड भी होंगे, और इनसे जो गैमिट्स निकलेंगे वो भी हैप्लॉइड होंगे। अब यार यहाँ पे एक थोड़ी सी कहानी बनती है, थोड़ा सा सुनते हैं इसको कहानी को, ज़्यादा कोई पूछने नहीं वाला आपसे, बस थोड़ा सा सुन लो। यार आपको नहीं लगता कि यहाँ से निकलने वाला है बायफ्लैजिलेटेड कर्व्ड मेल गैमिट, इसको कैसे पता कि मुझे इधर से होता हुआ, यहाँ पे कुछ कवर सेल्स भी लगी हुई है, कवर सेल्स होती हैं लिड सेल्स, ठीक है, कवर सेल्स भी हैं, ठीक है, कवर सेल्स से जूझते हुए मुझे एकदम नीचे जाना है एग के पास, इसको कैसे पता चलेगा कि मुझे इतनी लंबी जर्नी करनी है, हाउ वुड इट कम टू नो, मेल गैमेट को कैसे पता चलेगा इधर जाना है। यार आपको पता है जिस बड़ी महिमा है यहाँ पे भी, कि पता है क्या होता है, जिस टाइम पर मान लो कि गैमिट्स एकदम रेडी है, फीमेल गैमिट एकदम रेडी है, आपको पता है ये सारा वेंटर कैनाल सेल, नेक कैनाल सेल, ये सब ना जेलेटिनाइज हो जाता है, मतलब फूट जाता है, और एक प्रेशर सा डेवलप होता है किसके ऊपर, एक प्रेशर सा डेवलप होता है किसके ऊपर, कवर सेल्स के ऊपर, मतलब नीचे से क्या होगा, एक ये सब डिजॉल्व हो गया, अंदर की ये नेक कैनाल सेल्स भी डिजॉल्व हो गई, ये सारा ना एकदम प्रेशर देते हैं और कवर सेल्स ऐसे खुल जाएंगे, ऐसे फटक से खुल जाएंगे, और यहाँ से ना एक केमिकल्स बाहर निकलते हैं, ये सारा केमिकल बाहर निकलेगा। अब इन केमिकल्स के अंदर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, इस केमिकल के अंदर कुछ पोटेशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं, और इन केमिकल्स को देख के मेल गैमिट करता है कीमोटैक्सिस, जी हाँ
केमिकल को देख के उसके तरफ अट्रैक्ट होना, दैट इज कीमोटैक्सिस। तो यार ये देख के मेल गैमेट आकर्षित होके यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि आंखें तो लगी नहीं है भाई। सो दिस इज़ हाउ द गैमेट्स डू ट्रांसफर। और यार इसको लेके कौन जाता है? पानी लेके जाएगा, ज़ूआइडोगैमी है ना। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी। मैं इसको थोड़ा सा प्यार प्यार से लिखती हूँ, यहीं पे लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं। यहीं पे लिखते हैं कि नेक केनाल सेल एनसीसी एंड वीसीसी जेलेटिनाइज करता है, जेलेटिनाइज करता है। जेलेटिनाइज करने के बाद क्या होता है? पुशेस कवर सेल्स, पुशेस अप कवर सेल्स। ठीक है, कवर सेल्स खुल जाएंगे। कवर सेल्स के खुलने के बाद क्या होगा? केमिकल्स हैव जेलेटिन, इट विल हैव जेलेटिनाइज मटीरियल विल हैव, या जो भी, हम सीधा लिख लेते हैं, केमिकल्स लाइक फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या एक शुगर है, पोटेशियम आयंस आर इन द जेलेटिनाइज मटीरियल, आर इन द जेलेटिनाइज मटीरियल। ठीक है, और ये क्या करेगा? कॉजेस कीमोटैक्सिस, कॉजेस कीमोटैक्सिस ऑफ स्पर्म्स। ओ नो, ये मेरे से क्या हो गया? Somehow I deleted the entire written context. This is sad. चलो मैं यहाँ दोबारा लिख लेती हूँ, दोबारा लिख लेते हैं, फटाफट से लिख देते हैं। Sex organs, gametangia. ठीक है, multi-celled. समझ तो आ गया ना आप लोगों को, multi-celled and jacketed. साथ में हैप्लॉइड। ठीक है, ठीक है, तो यार हमने क्या लिखना था यहाँ पे? हाँ, मैं यहाँ पे ये लिख रही थी कि वीसीसी प्लस एनसीसी जेलेटिनाइज, ओपन्स द कवर सेल, ओपन्स कवर सेल्स। Gelatin will have chemicals like fructose, potassium ions in the gelatinized material. Gelatinized material. और इससे क्या होगा? Chemotaxis of, chemotaxis ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, बस ये चीज़ हमने लिखनी थी, ये एक वे था। और यहाँ पे हमने क्या लिखा था? इस वाले को हम फिर से कवर कर लेते हैं, जो लिखवाना था मुझे कि इन सेल्स को, फर्टाइल सेल्स को क्या बोलते थे? एंड्रोसाइट सेल्स, एंड्रोसाइट्स, और ऑल्सो नोन एज एंथीरोजोइड, थीरोजोइड मदर सेल ये भी बोल सकते हैं। इससे क्या हुआ? इससे निकले बायफ्लैजेलेटेड, बायफ्लैजेलेटेड कर्व्ड मेल गैमेट्स। ठीक है, और ये भी हैप्लॉइड है, ये भी हैप्लॉइड, सब कुछ एंथ्रीडियम ही पूरा हैप्लॉइड है। और कैसे थे मेल गैमेट्स? आपने देखे बायफ्लैजेलेटेड कर्व्ड। ठीक है, ऐसे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिखा था? एग, एग है, और यहाँ पे वेंटर के अंदर वेंटर केनाल सेल्स भी हैं। सो दीज आर वेंटर केनाल सेल्स, केनाल सेल्स, दीज विल बी 1 to 2। नेक केनाल सेल्स देवर 4 to 6, एंड दीज आर द कवर सेल्स और लिड सेल्स। दीज आर ऑल्सो 4 इन नंबर, 4 होती है, 2 to 4। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ वी वर एक्सपेक्टिंग।
आर्किगोनियम एन एग सेल दैट इज द फीमेल गैमेट. ठीक है, दिस इज एन. ओके, तो यार हमें स्टोरी समझ में आ गई, कुछ कुछ हमें समझ में आ गया. आई एम श्योर अभी आपको कुछ कुछ बातें हुई अंडरस्टैंड, लेकिन अभी भी हमें क्या करना है, सबसे पहले लाइफ साइकिल को करना है. लाइफ साइकिल करते ही आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी. ठीक है, आई होप यहाँ तक कर लिया. आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ. एंड लेट मी हैव अ वाटर ब्रेक. ओके फाइन, तो यार हम लोगों ने इसके सेक्स ऑर्गन समझ लिए. अब हम लोग क्या करते हैं यार, लेट्स डू द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स. आई एम श्योर एक बार आप लाइफ साइकिल करोगे ना, तो जो भी अभी हमने कहानी पढ़ी है ना कि स्पोरोफाइट क्या है, गैमेटोफाइट क्या है, वो सब दिमाग में फिट हो जाएगा. तो यार आप लोग लिखना शुरू करिए. सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, टॉप पे लिखेंगे, और जैसे मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है. ठीक है, ऊपर लिखेंगे हेडिंग में लाइफ साइकिल ऑफ, लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स. ठीक है, सबसे एकदम टॉप पे आप लोग लिखेंगे द वर्ड गैमेटोफाइट. क्या लिखोगे? गैमेटोफाइट. ठीक है यार, अभी अभी मैंने क्या बोला बच्चे, मैंने कहा गैमेटोफाइट क्या है, इट इज़ अ गैमेट प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर. ये हैप्लॉइड होगा. आपको पता है गैमेटोफाइट कैसा दिखाई देता है? इसमें ये ऐसा दिखाई देता है, ग्रास पत्तियाँ ऐसे ऐसे. सो दिस इज द गैमेटोफाइट. लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनाए, और ये राइजोइड है, रूट लाइक स्ट्रक्चर. ठीक है, ये गैमेटोफाइट है, ऐसा नजर आएगा, सिंपल. सो व्हाट इज दिस? दिस विल बी राइजोइड. लिखने की जगह है तो लिख लो, राइजोइड है. और ये क्या होंगे? लीफ लाइक, यानी कि इनका नाम क्या लिखूँ? फिलॉइड कह लेती हूँ. ठीक है, फिलॉइड है ये, राइजोइड फिलॉइड. ठीक है, व्हाट इज़ द प्लॉइडी ऑफ, प्लॉइडी हम बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग लिखते रहते हैं गैमेटोफाइट से क्या बनेगा. यार गैमेटोफाइट हमें मालूम है, इट विल बेयर सेक्स ऑर्गन्स. लिखो, इट बेयर्स सेक्स ऑर्गन्स. सेक्स ऑर्गन का दूसरा नाम क्या है? गैमेटेंजिया है. ठीक है, सेक्स ऑर्गन दो प्रकार के हैं. कौन कौन से दो प्रकार के हैं बताओ जी, कौन से दो प्रकार के? एक है एंथ्रीडियम, एक है आर्किगोनियम. लिखो, एक लिखेंगे एन थ्री डीएम और दूसरा लिखेंगे आर के गोनियम. आई होप दिखाई दे रहा है. एन थ्री डीएम, आर के गोनियम लिखा. एन थ्री डीएम से क्या बनता है? अभी हमने बताया एंथीरोजोइड्स बनते हैं, एंथीरोजोइड्स बनते हैं, जो हमने अभी बनाए थे बायफ्लैजेलेटेड कर्व्ड मेल गैमिट्स. ठीक है, एंथीरोजोइड्स यानी कि मेल गैमिट्स. ठीक है, और आर्किगोनियम से क्या बना? क्या बना उससे? एग बना. एग इज द फीमेल गैमिट. लिखो, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिखवा रही हूँ. एग इज द फीमेल गैमिट. लिखिए ऐसे ही, दिख रहा है? हाँ, ठीक है. ठीक है, ये दोनों निकल गए. यार इनका आगे जाके क्या होगा? मिलन होगा. मेल गैमिट कैसे ट्रांसफर करेगा यहाँ पे? कैसे पहुँचेगा इसके पास? फीमेल गैमिट के पास कैसे पहुँचेगा? बाय जूआइडोगैमी, बाय जूआइडोगैमी. ठीक है, यहाँ पे होगी जूआइडोगैमी. इधर लिख रही हूँ, इधर लिख रही हूँ. जूआइडोगैमी हुई. जूआइडोगैमी यानी कि मूवमेंट या ट्रांसफर ऑफ गैमिट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द हेल्प ऑफ वाटर. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वाटर. जूआइडोगैमी लिखा. इसके बाद हम लोग लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप विल बी फर्टिलाइजेशन. क्या होगा नेक्स्ट स्टेप? फर्टिलाइजेशन. ऐसे लिखो, डब्बे में लिखो जैसे मैं सिखा रही हूँ. नेक्स्ट स्टेप विल बी फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम होता है सिनगैमी. सिन का मतलब सेम, गैमी मतलब मैरिज, एक जैसी मैरिज, यानी कि फ्यूजन हो गया सेम टाइप की चीज़ों का. ठीक है, सेम टाइप की चीज़ क्या होगी? मतलब गैमीट्स का. ठीक है, तो लिखेंगे ऐसे, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी हो गई. ठीक है, फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी. अब यार इतना जितना आपने लिखा है ना, इसके बारे में आप अपने रेड पेन से अपनी कॉपी में लिखेंगे
उनकी प्लॉयडी, लिखो प्लॉयडी लिखना शुरू करो, देखो सब समझ में आ जाएगा। मेरे बिना ही लिखो, मेरे जैसे जैसे मैं पूछूंगी ना आंसर देना। गैमेटोफाइट कैसा होगा, एन या टू एन? एन होगा, ठीक है। तो यार यहाँ पे लिखो एन। चलो बताओ सेक्स ऑर्गन्स कैसे होंगे, गैमेटेंजिया कैसा होगा? अभी अभी मैंने पढ़ाया आर्किगोनियम एंथ्रीडियम कैसा है, हैप्लॉइड है, ठीक है। तो यार सेक्स ऑर्गन्स क्या है, एन। एंथ्रीडियम कैसा है, एन। आर्किगोनियम कैसा है, एन। वैसे यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी, इसको मैं उड़ा रही हूँ, ठीक है। फिर एंथीरोजॉइड्स, मेल गैमिट्स कैसे होंगे बताओ, हैप्लॉइड या डिप्लॉइड? ऑलवेज हैप्लॉइड, लिखेंगे एन। फीमेल गैमिट कैसा है, इट इज़ ऑल्सो एन। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन में कुछ मत लिख देना, फर्टिलाइजेशन तो प्रोसेस है ना, ठीक है। तो यार यहाँ तक एन 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 चल रहा है, हैप्लॉइड जनरेशन चल रही है। फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहली चीज़ आपको नज़र आएगी वो क्या होगी, एक गैमिट ने दूसरे गैमिट के साथ फ्यूज़ किया, अब क्या बनेगा, अब जायगोट बनेगा, नॉर्मल कंडीशन होगी। तो यार द फर्स्ट सेल डिप्लॉयड सेल विल बी जायगोट, द फर्स्ट डिप्लॉयड सेल विल बी जायगोट। जायगोट करेगा माइटोसिस, माइटोसिस के लिए बेटा ऐसा दिखाते हैं, एक एरो बनाते हैं, जस्ट वन एरो, दिस वन एरो मीन्स माइटोसिस। माइटोसिस से क्या बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो बनेगा। एम्ब्रायो कैसा होगा, मतलब जायगोट अगर सिंगल सेल था, एम्ब्रायो कैसा होगा, गुच्छा होगा सेल्स का, गुच्छा होगा सेल्स का, बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है मत बनाओ, ठीक है। एम्ब्रायो बनेगा, एम्ब्रायो बनने के बाद फर्दर माइटोसिस होगी, फर्दर माइटोसिस होगी और आपको दिखाई देगा एक मच्योर स्पोरोफाइट। जी हाँ, एकदम गैमेटोफाइट के नीचे आप लोग लिखेंगे स्पोरोफाइट। जी हाँ बच्चों, क्या लिखेंगे, एकदम गैमेटोफाइट के नीचे लिखेंगे स्पोरोफाइट, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए, मैम स्पोरोफाइट कैसा दिखाई देगा? बच्चे मैं आपको एक फ्यूनेरिया की फ़ोटो दिखा रही हूँ, यहाँ पे आना, इधर देखो, ये बच्चे देखना, ये गैमेटोफाइट है जो अभी अभी हमने बनाया, और गैमेटोफाइट के ऊपर ही स्पोरोफाइट लगा होता है, ये दिस पोर्शन इज स्पोरोफाइट, दिस पोर्शन इज गैमेटोफाइट। तो यार इतना पोर्शन गैमेटोफाइट है, इसी के ऊपर स्पोरोफाइट बना हुआ है। तो अब हम अपने लाइफ साइकिल में वापस आते हैं, स्पोरोफाइट कैसा होगा, वो गैमेटोफाइट के ऊपर ही बना है। तो यार मैं पहले गैमेटोफाइट बना रही हूँ ग्रीन कलर का, ये तो आपने देखा ही है। स्पोरोफाइट कौन सा होगा, स्पोरोफाइट को मैं रेड पेन से बना रही हूँ, दिस इज स्पोरोफाइट, ठीक है, दिस इज स्पोरोफाइट, दिस वन इज स्पोरोफाइट, ओके, एंड दिस इज स्टिल गैमेटोफाइट, ग्रीन वाला स्टिल गैमेटोफाइट है, ये फिर भी गैमेटोफाइट है, जी है। तो वॉट इज स्पोरोफाइट, दिस इज स्पोरोफाइट विच इज बॉर्न ऑन गैमेटोफाइट, ठीक है। यार ये जो स्पोरोफाइट है, मैंने आपको शायद पीछे कहीं पे लिखा के दिखाया था कि इसके तीन पार्ट्स हैं, एक ये पार्ट जहाँ से ये एम्बेडेड है, जहाँ से चिपका हुआ है गैमेटोफाइट में, उसको बोलते हैं बेटा जी, इट इज़ कॉल्ड, चलो दोबारा बनाना पड़ेगा, इट इज़ कॉल्ड फुट, क्या बोलते हैं इसको, फुट बोलते हैं। तो ये गैमेटोफाइट है, ठीक है, और ये स्पोरोफाइट है, ठीक है। मैंने कहा ये जो बेसिक पार्ट है जहाँ से चिपका हुआ है इससे, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड फुट, जहाँ से लगा हुआ है इसके साथ, जो इसका पैर होगा गैमेटोफाइट के साथ, इट इज़ कॉल्ड फुट। ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेटा, और ये वाले स्ट्रक्चर को आप कहते हो कैप्स्यूल, क्या बोलते हो, कैप्स्यूल कहते हो। अब मेरे को आप बताओगे प्लॉयडी, चलो प्लॉयडी करते हैं प्यार प्यार से, ठीक है। प्लॉयडी क्या होगी, एन या टू एन? अब मुझे बताना यार जायगोट की प्लॉयडी क्या होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद बनाना, व्हाट विल बी द प्लॉयडी, द प्लॉयडी हेयर इज टू एन, ये टू एन होगा ना, क्योंकि इन दोनों ने फ्यूज़ किया, ये टू एन बन गया। एम्ब्रायो की प्लॉयडी क्या होगी, एम्ब्रायो की प्लॉयडी भी टू एन होगी, माइटोसिस हुई है। स्पोरोफाइट की प्लॉयडी क्या होगी, टू एन होगी, क्योंकि माइटोसिस हुई है। अब मुझे बताओ फुट की प्लॉयडी क्या होगी, क्योंकि स्पोरोफाइट का पार्ट है ना, सो स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्स्यूल। तो यार फुट की प्लॉयडी 2n, सीटा की प्लॉयडी 2n, कैप्स्यूल की प्लॉयडी 2n, ठीक है, इतना याद रहेगा। तो यार मैं यहाँ पे भी लिख लेती हूँ कि स्पोरोफाइट क्या है, इट इज़ डिफरेंशिएटेड इनटू फुट, सीटा एंड कैप्स्यूल, ऐसे कर दो, फुट, सीटा और कैप्स्यूल में डिवाइडेड है, ठीक है। और हम इसमें लिख सकते हैं कि ये सब क्या होगा, ये सब का सब 2n होगा, दिस इज़ 2n,
दिस इज 2n, दिस इज 2n, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। यार एक ज़रूरी सूचना जो यार आपको क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करते टाइम दिखाई देगा, आपको पता है ये जो कैप्स्यूल है ना, कैप्स्यूल के ऊपर एक सुरक्षा कवच लगा होता है, ये इस सुरक्षा कवच का नाम पता है क्या राजे, इसको बोलते हैं कैलेप्ट्रा। क्या बोलते हैं? कैलेप्ट्रा। याद रखें ये हैप्लोइड है, जी हाँ, स्पोरोफाइट का ही पार्ट है। स्पोरोफाइट में हमने क्या बोला, फूड सीटा कैप्सूल है, कैप्सूल के ऊपर एक कवरिंग, एक थोड़ा सा जैसे काकस सा लगा होता है ना, पॉलीथीन कवरिंग, वैसे पॉलीथीन कवरिंग सी लगी रहती है जो शेड ऑफ हो जाती है, टूट जाती है, बाद में गिर जाएगी वो, ये भी इंटैक्ट नहीं होगी, ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये कैलेप्ट्रा एन है क्योंकि इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम VCC, वेंटर केनाल सेल से बनता है, इस वजह से कैलेप्ट्रा हैप्लॉइड होती है। आपको पता कैसे क्वेश्चन आएंगे इसके ऊपर, प्लॉइडी पे क्वेश्चन आएंगे कि इस डब्बा दे देंगे और बोलेंगे ये पार्ट्स हैं ब्रायोफाइट के, सिलेक्ट कौन सा हैप्लॉइड है कौन सा डिप्लॉइड है। तो यार कैलेप्ट्रा दो, इट इज़ प्रेजेंट अराउंड कैप्स्यूल, लेकिन ये टूट जाता है, शेड ऑफ हो जाता है, गिर जाता है, लेकिन ये कहाँ से डिराइव था, ये VCC से डिराइव था। कहाँ से डिराइव था? ये वेंटर कैनाल सेल से डिराइव था, ठीक है। तो इतनी बात हम लोगों ने लिखी, तो यहाँ तक सारी कहानी अभी क्या चल रही है, डिप्लॉयड 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 चल रही है। अब खास बात, कैप्स्यूल के अंदर, कैप्स्यूल के अंदर देयर आर सम सेल्स विच आर कॉल्ड स्पोर मदर सेल्स, दे आर कॉल्ड स्पोर मदर सेल्स। कैप्स्यूल के अंदर कुछ सेल्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं स्पोर मदर सेल्स। कैसी होंगी, उनका प्लॉइडी क्या होगी, क्या लगता है? यार स्पोरोफाइट पूरा का पूरा 2n है, फूड सीटा कैप्सूल पूरा 2n है, कैप्स्यूल के अंदर प्रेजेंट है स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल की प्लॉइडी क्या होगी, ऑफकोर्स ये भी 2n होगी। यार स्पोर मदर सेल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इट अंडरगोज अ इवेंट कॉल्ड मियोसिस, इसमें क्या होगी यार, मियोसिस हो जाएगी। और अगर मियोसिस हुई तो क्या बनेंगे, मियोसिस होने के बाद क्या होगा, हैप्लोइड सेल्स बनेंगी। यार क्योंकि नाम लिखा हुआ है स्पोर मदर सेल्स, तो आपको नहीं लगता ये स्पोर को जन्म देगी, है ना? सो इट विल गिव राइज टू स्पोर्स। यार सब स्पोर्स सिमिलर साइज के होंगे, इस वजह से हम इन स्पोर्स को होमोस्पोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोस्पोर्स भी बोलते हैं। बताओ यार इनकी प्लॉइडी क्या होगी, व्हाट विल बी द प्लॉइडी ऑफ होमोस्पोर्स, टेल मी। मैंने कहा फूड स्पोरोफाइट 2n है, इसमें फूड सीटा कैप्स्यूल है, कैप्स्यूल के अंदर स्पोर मदर सेल जिसमें हुई मियोसिस, स्पोर मदर सेल 2n, मियोसिस होके स्पोर्स क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड हो जाएंगे, तो इनकी प्लॉइडी हम लिखेंगे n। अब स्पोर जहाँ पे कहीं गिरेगा तो जर्मिनेट हो जाएगा, जहाँ पानी मिलेगा, जहाँ खाना मिलेगा। तो यार स्पोर जब जर्मिनेट करेगा, ऐसा ये स्पोर है, ये जर्मिनेट किया, ये स्पोर ने जर्मिनेट किया, एंड इट फॉर्म्स अ क्रीपिंग स्ट्रक्चर, ऐसा ये स्पोर जर्मिनेट है, ये स्पोर है, ये आप देखो, दोबारा बनाऊँ क्या? मैंने कहा स्पोर जर्मिनेट करेगा, ये स्पोर है और ये जर्मिनेट करेगा और इससे एक क्रीपिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इस क्रीपिंग स्ट्रक्चर को बेटा जी बोला जाता है प्रोटोनीमा, इट इज़ ऑल्सो अ गैमिटोफाइट, इट इज़ अ प्यारा सा नन्ना सा इमेच्योर और जुविनाइल गैमिटोफाइट, बच्चा गैमिटोफाइट, ठीक है। तो यार इस स्ट्रक्चर को आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे प्रोटोनीमा, क्या बोलोगे, प्रोटोनीमा, ठीक है, प्रोटोनीमा बोलोगे। और क्या करेंगे यार, ये प्रोटोनीमा है, ठीक है, और यहाँ पे हुआ क्या था, इवेंट क्या हुई थी, इवेंट का नाम था जर्मिनेशन, जर्मिनेशन हुआ, स्पोर जर्मिनेशन, ठीक है, लिख लो स्पोर जर्मिनेशन, ठीक है। प्रोटोनीमा विल अंडरगो माइटोसिस, माइटोसिस टू फॉर्म मच्योर गैमिटोफाइट। तो यार प्रोटोनीमा क्या है यार, इट इज़ अ लीफी गैमिटोफाइट, लीफी और जुविनाइल गैमिटोफाइट। अब आप बोलोगे मैम आपने तो इसकी शक्ल बड़ी बनाई, यार वो मैंने डायग्राम में बड़ा बनाया, बट एक्चुअली ये बहुत छोटू सा होगा, ये बड़ा रहता है, ये मैच्योर रहता है, क्योंकि इसमें सेक्स ऑर्गन्स होंगे, ठीक है। फिर से बोलूँ एक बारी, फिर से करते हैं इसको, फिर से एक बारी इसकी प्लॉइडी को करते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ तक हम लोग क्लियर थे, यहाँ तक हम लोग क्लियर थे, फूड सीटा कैप्सूल डिप्लॉयड था, डिप्लॉयड कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल थी, स्पोर मदर सेल कैसी थी, ये भी डिप्लॉयड थी,
डिप्लॉयड सेल ने करी मियोसिस, इससे बने हैप्लॉयड स्पोर्स, सबका साइज एक जैसा था इसलिए प्यार से बोलेंगे होमोस्पोर्स। अब ये स्पोर जब कहीं पे गिरेंगे जर्मिनेट होंगे, ऑफकोर्स यार ये हैप्लॉयड है तो हमारा प्रोटोनिमा भी हैप्लॉयड है, और मैंने आपको बोल भी दिया दिस इज़ अ गैमिटोफाइट, तो गैमिटोफाइट तो हमेशा हैप्लॉयड होता है। बेटा जी ब्रायोफाइट में गैमिटोफाइट की दो स्टेजेस है, वन इज द प्रोटोनिमा स्टेज, ये बच्चा यो बहुत छोटा इमेच्योर सेक्स ऑर्गन नहीं है, सो दिस इज अ लीफी गैमिटोफाइट एंड दिस इज द मैच्योर गैमिटोफाइट, ठीक है। तो यार ये था लाइफ साइकिल। अब एक और लास्ट चीज़ हमको करनी है, वो ये करनी है, इस पूरे ग्राफ में आप एक सेंटर पॉइंट ढूंढो, ढूंढो सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट है। अब हैप्लॉइड सेल को डिप्लॉइड स्टेज को अलग करो, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड को अलग करो। चलो यार आपको नहीं लग रहा कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है यहाँ तक, यहाँ तक ये सारा जो है, एक सेकेंड रुको, आपको नहीं लगता ये सारा यहाँ तक और डिप्लॉयड कहाँ तक रह गया, यहाँ तक, ये डिप्लॉयड स्टेज है, देखो ये सारा का सारा 2n है और ऊपर वाला सारा n है, देखना देखना अगर आपको मैं बात सही समझ में आ रही है नहीं, ये देखो ना यार जाइगोट 2n है, पहली बार यहाँ जाइगोट बना 2n, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो, फिर स्पोरोफाइट, फिर स्पोर मदर सेल, है ना, ये पूरा का पूरा कैसा फेज है, ये 2n है डिप्लॉयड फेज है, और ऊपर वाला जितना भी है गैमिटोफाइट सेक्स ऑर्गन गैमीट या स्पोर या प्रोटोनिमा ये सबका सब कैसा है, ये हैप्लॉयड है। तो यार डिप्लॉयड हैप्लॉयड, डिप्लॉयड भी काफ़ी मच्योर है, डिप्लॉयड के नाम पे भी मल्टी सेल्ड कंडीशन है, फूट सीटा कैप्सूल है, और हैप्लॉयड के नाम पे भी अच्छा खासा सेक्स ऑर्गन भी है, गैमिटोफाइट भी है, फिलॉयड राइजॉइड सब कुछ है। तो यार ऐसी जगह जहाँ पे स्पोरोफाइट भी काफ़ी अच्छा खासा है और गैमिटोफाइट भी काफ़ी अच्छा खासा है, तो हम ऐसे लाइफ साइकिल को बेटा जी बोलेंगे हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या बोलेंगे, विल कॉल इट हैप्लो डिप्लॉन्टिक, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलेंगे इसको, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना, हैप्लो डिप्लॉन्टिक ऊपर लिख लो, टॉप पे लिख लो या कहीं भी लिख लो। तो यार अब आ जाओ वापस जिस पात जिस पे हमने लिखा था, यहाँ पे आ जाओ, ये मैंने क्या बनाया था, मैंने यही चीज़ तो पढ़वाई थी ना आपको कि गैमेटोफाइट भी काफ़ी अच्छा खासा होगा, स्पोरोफाइट भी काफ़ी अच्छा खासा होगा, और जब जिस ऐसी जगह पर जहाँ गैमेटोफाइट भी ठीक ठाक है, स्पोरोफाइट भी ठीक ठाक है, तो हम क्या बोलते हैं, हैप्लो डिप्लॉन्टिक कहते हैं। आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियर। मेरे ख्याल से यार भगवान करे अब आपको समझ आ गया, और मेरी बहुत बहुत अच्छी विशेज आपके साथ, आप ज़रूर इसको समझ लोगे, नहीं समझ मैं थोड़ा सा दोबारा से वीडियो रिपीट करके देख लिया, आई एम सो श्योर बच्चे अगर आपने समझ लिया ना एक बार में, एक बारी और रिवाइज करो, तीन बारी करो, एकदम ब्रेन टैटू हो जाएगा, मेरा भरोसा ही है, बच्चों को भी तो लर्न करवाया है ना मैंने, ठीक है। तो यार दिस इज़ हाउ यू अंडरस्टैंड द लाइफ साइकिल। अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमको करना है इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, वो हम बाद में देखेंगे, अभी यार हमको इसके मेंबर्स के बारे में और करना है डिटेल में। एनसीईआरटी ने तो बहुत उड़ा दिया है, बट मैं उड़ाऊंगी नहीं, मैं क्यों उड़ाऊँ यार, मैंने क्यों उड़ाना है, मैंने क्लास में भी पूरा पूरा ही पढ़ाया ना, जहाँ भी मैं पढ़ाती थी आकाश में पढ़ाती थी मैं, तो यार मैंने पूरा पूरा पढ़ाया है, तो यहाँ पे भी पढ़ाऊँगी, क्यों नहीं पढ़ाऊँगी, दिस इज़ माय बेबी दिस चैनल, ठीक है। तो यार जिसको भी जो भी पढ़ रहा है उसके पूरे नोट्स बन जाए, ये मेरी आशा है, उम्मीद है। चलिए तो यार ये हमने कर लिया, लाइफ साइकिल कर लिया, अब यार हम इनके चित्रों के दर्शन कर लेते हैं थोड़े से, थोड़ा सा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा सा सांस लेते हैं। तो यार ये जो पहली फ़ोटो आपको नज़र में आ रही है, ये है ब्रायोफाइट्स में फ्यूनेरिया, दिस इज़ द पिक्चर ऑफ फ्यूनेरिया, फ्यूनेरिया ये। तो यार अभी जो हमने नहीं पढ़ा था बड़ा क्यूट सा, ये देखो ये कैप्सूल है, ये सेटा है, ये फुट होगा, और यहाँ जो पत्ते से है ना वो इसका गैमिटोफाइट होगा, समझ आया, यही फ़ोटो जो हमने नहीं बनाई थी, ये वाली गैमिटोफाइट स्पोरोफाइट, तो ये वही स्पोरोफाइट है, ये देखो कितने क्यूट से, कितने क्यूट, और ये जो तोता जैसा बना हुआ है बीच में, ये थोड़ी वो कवरिंग भी रहती है कैलेप्ट्रा की, वो गिर जाती है बाद में, ठीक है। देन नेक्स्ट दैट यू सी इज़ मार्केंशिया, बड़ा खूबसूरत है ये, देखना ये मार्केंशिया है, मार्केंशिया की फ़ोटो देखना कितने प्यारे प्यारे, ये देखो ऐसे ऐसे बने हुए छतरियाँ सी लगी हुई हैं,
छतरियाँ सी लगी हुई है, और ये नीचे थैलस है इनका, और इसी थैलस पर यहाँ पे आपको ना कुछ कप जैसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। इस कप लाइक स्ट्रक्चर को आप बोलते हो गैमा कप। क्या बोलते हो? गैमा कप बोलते हो। और इसके अंदर कुछ मल्टाई सेल्ड ए सेक्शुअल बर्ड्स हैं। मल्टाई सेल्ड ए सेक्शुअल बर्ड्स होंगे जिनको आप कहते हो गैमा। ठीक है, इसको हम बाद में लिख लेंगे, फोटो देख लो बस। ठीक है, सो दिस इज़ द पिक्चर ऑफ ब्रायोफाइट्स, ऐसे दिखाई देते हैं। और ये एनसीईआरटी वाले पिक्चरों की ज़रूर आप इज्जत करें, बहुत प्यार दें, नमस्ते करो। नमस्ते क्यों करेंगे? नमस्ते मैं आपको बताती हूँ, आपको पता है आपके साथ एग्जाम में क्या खिलवाड़ होगा? आपको ना यार यहाँ पे डब्बा बना के दे देंगे और बोलेंगे बताओ ये क्या है, आर्किगोनियो 4, एंथ्रीडियो 4। या कई बार ऐसे भी लिखा था कि दिस इज़ द फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्या वो सही है या गलत है बताना। अगर मैं बोलूँ ए इज़ अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, क्या ये बात सही है या ये गलत है? आधा चलो हाँ मैम सही है, ऐसे चौंटा मारूंगी मैं कैमरा से बाहर आके, सही कैसे होगा यार? आर्किगोनियो 4 लिखा है, 4 का मतलब होता है स्टॉक, और यार आर्किगोनिया तो दिखाई भी नहीं देगा, ये तो क्रिप्टोगैम्स हैं, इनके तो सेक्स ऑर्गन हिडन है, सेक्स ऑर्गन कहीं अंदर छुपा होगा, दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो दिस इज वन स्टॉक, दिस इज अ स्टॉक, 4 का मतलब स्टॉक, जिसने अंदर कहीं पे होल्ड करके रखा है फीमेल सेक्स ऑर्गन को। आई बात है मेरी बात समझ? ठीक है, सो दिस कैन बी आस्क्ड। अच्छा, इसका ना एक और दिमाग में रखना कि यार आर्किगोनियो 4 को लर्न करने के लिए याद रखें, जो ना बड़ा सुंदर सा बना, लड़कियाँ सुंदर होती है ना, तो जो सुंदर सा ऐसा जैसा है, यानी कि वो आर्किगोनियो 4 है, और जो थोड़ा सा ऐसा ही है पत्ता गोभी जैसा, ऐसे वाला, ऐसे ऐसा 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 वाला, दिस इज एंथ्रीडियो 4। ठीक है, ये याद रखना। तो दिस विल बी फीमेल थैलस, दिस इज मेल थैलस, ये वो गैमा कप है, ये वो कप है जो अभी आपको हमने फोटो में दिखाया, ये गैमा कप है, और ये फूट सीटा कैप्सूल, तो पता ही आपको, ये फ्यूनेरिया हो गया, ये स्फेग्नम दे दिया। सो दीज आर द पिक्चर्स, नाउ लेट अस राइट डाउन इसके मेंबर्स। ठीक है, अब इसके मेंबर्स की बारी आती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग लिखेंगे। यार आपको पता है डिवीजन क्या था? डिवीजन था ब्रायोफाइटा। यार अगर ब्रायोफाइटा डिवीजन है तो नेक्स्ट कैटेगरी क्या होगी? कीप पॉट्स क्लीन, क्लास हो जाएगी ना अब, है ना? तो यार अगर डिवीजन ब्रायोफाइटा है, इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू टू मेजर कैटेगरीज। हम लोग अपनी कॉपी में ऐसे करेंगे। ठीक है, डिवीजन ब्रायोफाइटा के मेंबर्स दो टाइप के हैं, लिखना शुरू करते हैं। दिस विल बी हिपैटोकॉप्सिडा, एक हिपैटोकॉप्सिडा है, सेकेंड वन इज ब्रायोप्सिडा। यार ब्रायोप्सिडा में मॉसेस बोलते हैं ब्रायोप्सिडा को, और हिपैटोकॉप्सिडा को कहते हैं लिवरवर्ट्स। यार क्यों बोलते हैं इनको लिवरवर्ट्स? यार लिवर का थैलस कैसा होता है? लिवर लाइक थैलस है, जो अभी हमने फोटो में नहीं देखा, कहाँ गया ये जो थैलस है, ये थैलस देखो ना आप, ये कैसे से है, ऐसे से लीवर शेप्ड होते हैं, इसलिए इनको आप बोलते हो लीवर वर्ड्स। ठीक है, लीवर वर्ड्स बोलते हैं। सो लीवर वर्ड्स या मॉसेस, ये दो मेजर कैटेगरीज हैं। अब यार सबसे पहले ना एग्जांपल इधर ही लिख लो, मैं चाहती हूँ आप एग्जांपल इधर ही लिख लो, कौन कौन से मेंबर्स हैं, एग्जांपल्स क्या क्या है, एग्जाम्पल्स क्या क्या है। आप लोग लिखेंगे रिक्शा मार्कैंशिया, रिक्शिया और मार्कैंशिया इधर आ जाएंगे। ठीक है, रिक्शिया मार्कैंशिया इधर आ जाएंगे, पोरेला भी है वैसे, लीफी मेंबर है। ठीक है, और इधर कौन आ जाएगा? इधर आ जाएगा फ्यूनेरिया, अभी हमने फोटो में देखा, जिसके बारे में हमने सारा पढ़ा। इधर पे आ जाएगा तुम्हारा स्फेग्नम। ठीक है, फ्यूनेरिया, स्फेग्नम, और एफ ठीक लिखाना, एफ दिख नहीं रहा, एक सेकेंड, फ्यूनेरिया, स्फेग्नम, एंड पॉलीट्राइकम। ठीक है, ये इसके मेंबर्स हो गए। ठीक है, हमने सबसे पहले आसानी कर ली अपनी ज़िंदगी में, हमने इनके नाम लिख लिए। अब हमको क्या लिखना है? प्लांट बॉडी के बारे में लिखना है। फर्स्ट पॉइंट इज़ प्लांट बॉडी।
प्लांट बॉडी, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है। जैसे मैं बनवा रही हूँ नोट्स वैसे बनाओ, शांति शांति से, मज़ा आ जाएगा। और इधर भी पहला पॉइंट लिखना है प्लांट बॉडी। मैं चाहती हूँ बच्चों आप ना पहले इधर मॉसेस वाली तरफ पहले लिखें, बाद में इस तरफ लिखें, ठीक है? इधर लिखे पहले यार प्लांट बॉडी, वेरी इजी। अभी हमने लिखा था गैमेटोफाइट है, जो अभी आपने फ्यूनेरिया पढ़ा ना, गैमेटोफाइट है। और प्लांट बॉडी के नाम पे क्या है, स्पोरोफाइट भी है, यानी कि एक बॉडी ऐसी है जिससे गैमेट बन रहे हैं और एक बॉडी ऐसी है जिससे स्पोर बन रहे हैं, है ना यार। गैमेटोफाइट हमने क्या पढ़ा, इसकी दो स्टेजेस है, ठीक है? सो इट हैज़ गॉट फर्स्ट स्टेज, या आप इसको बोलो जुविनाइल स्टेज, जुविनाइल स्टेज, जिसको आप क्या कहते हो, प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा, ठीक है? एंड द सेकेंड स्टेज इज अ मैच्योर गैमेटोफाइट, इट इज अ मैच्योर गैमेटोफाइट, मैच्योर गैमेटोफाइट विच बेयर्स सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है जी, मैंने कहा गैमेटोफाइट के दो स्टेजेस है, फर्स्ट स्टेज है जुविनाइल स्टेज, जिसको आप क्या कहते हो, प्रोटोनिमा स्टेज कहते हो, जिसको आप कहते हो प्रोटोनिमा स्टेज। और सेकेंड स्टेज क्या है, मैच्योर स्टेज है, जिसको आप क्या बोलते हो, बस मैच्योर स्टेज है जिसमें सेक्स ऑर्गन्स होंगे, ठीक है? लीफी गैमेटोफाइट होगी, मैंने लिखा लीफी, दिस इज प्रोटोनिमा स्टेज, या फिर आप बोल सकते हो दिस इज लीफी गैमेटोफाइट, जिसमें बड़े सारे पत्ते पत्ते थे, ठीक है? ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। स्पोरोफाइट क्या है, स्पोरोफाइट तो आपको पता ही है, अभी हमने लिखा स्पोरोफाइट किस में था, डिफरेंशिएटेड, इज डिफरेंशिएटेड इनटू, हाँ जी क्या, डिफरेंशिएटेड इनटू फुट सेटा कैप्सूल, फुट सेटा कैप्सूल, सिंपल। यार एक पॉइंट यहाँ पे आपको लिखना है बच्चे, आपको क्या लगता है ये जो स्पोरोफाइट था, ये जो स्पोरोफाइट था, ये हमने बनाया ना कि गैमेटोफाइट के ऊपर ही होता है, तो आपको क्या लगता है कि क्या ये किसी प्रकार से पैरासाइट होगा क्या गैमेटोफाइट पे, उससे कुछ लेता वेता होगा, या उसका कुछ खाना वाना बनाता होगा, या क्या करता होगा, क्या लगता है आपको? लग रहा है कि मैम पता नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट भी तो हो सकते हैं। यार एक बात ध्यान में रखो, ये जो स्पोरोफाइट है ये गैमेटोफाइट पे बॉर्न है, ये स्पोरोफाइट इट इज़ अ पार्शियल पैरासाइट, याद रखे बच्चे, इट इज़ अ पार्शियल पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। पार्शियल क्यों यार, कैप्सूल ना फोटोसिंथेटिक है, अपना खाना खुद बना सकता है, लेकिन पानी के लिए, पानी का सप्लाई कहाँ से होगा यार, पानी का सप्लाई तो गैमेटोफाइट से ही होगा, है ना? तो यार हम लोग लिखते हैं कि कैप्सूल, यहाँ पे आप लोग लिखें फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक है, ये लिखें, और यहाँ पे एक डब्बा बनाएं और डब्बे में लिखें स्पोरोफाइट इज अ, ऐसा डब्बे में लिखें स्पोरोफाइट इज अ Sporophyte is a partial parasite on gametophyte, brackets में लिख सकते हो, for supply of water, पानी के लिए इसको ज़रूरत है gametophyte की, अदरवाइज कैप्सूल इज फोटोसिंथेटिक, अपना खाना खुद बना सकता था, सिंपल। हमने एक पॉइंट लिखा, फिर हम बात करते हैं हिपैटोकॉप्सिडा या लिवरवर्ट, जिसमें हमने एग्जांपल दिखाया मार्कएंशिया, जिसकी बॉडी वो मार्कएंशिया वैसे वैल्यू वाली थी, ठीक है? इसमें हम लोगों ने क्या याद रखना है यार, इसमें भी वही दोनों चीज़ें, प्लांट बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, लिखो गैमेटोफाइट होगा और यहाँ पे क्या होगा, स्पोरोफाइट भी होगा। यार यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट सूचना जो हमें लिखनी है, दैट इज़ गैमेटोफाइट, यहाँ पर आपको लीफी गैमेटोफाइट नहीं दिखाई देगा, लीफी गैमेटोफाइट नहीं दिखाई देगा, रादर आप यहाँ पे देखिए, फोटो से देखिए, आप ये समझने की कोशिश करें, ये वाले की बात करो यार, यहाँ पे आपको ये लीफी गैमेटोफाइट दिखाई दे रहा है, लीफी गैमेटोफाइट दिखाई दे रहा है, नहीं ना,
ये तो एक थैलस जैसा बना हुआ है, एक एक थैलस है जो थोड़ा सा ना ऐसा ब्रांच है, डाइकोटमसली ब्रांच्ड है। मुझे नहीं पता इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, ऐसे ब्रांचिंग है बीच बीच में, और डॉर्सी वेंट्रल ऐसे झुका हुआ प्रोस्ट्रेट सा है कि नहीं। तो यार यहाँ पे हम लोग इस फोटो में देख लो, ये देखो ये मार्कैंची है, ये देखो ब्रांच है डाइकोटोमसली ब्रांच, ऐसे दो ब्रांचिंग हो रखी है ठीक है। और यहाँ पे आपको राइजोइड भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें कोई लीफी तो ऐसा तो नहीं है, लीफी गैमेटोफाइट तो नहीं है, ये तो फ्यूनेरिया है। तो दीज आर मॉसेस वाइल एज दिस वन इज योर लीवरवर्ट्स। तो लीवरवर्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे वापस लिखते हैं कि लीवरवर्ट में गैमेटोफाइट कैसा है। लीवरवर्ट में गैमेटोफाइट इज थैलॉइड, थैलस लाइक, ठीक है, थैलॉइड बॉडी, थैलॉइड बॉडी डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, डाइकोटोमसली यानी कि दो दो की फॉर्म में, ऐसे दो जैसे बन गए थे ना, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, ठीक है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, ये हमने देखा ठीक है। वेंट्रल सरफेस इज अटैच, नीचे वाली सरफेस जो है, वेंट्रल सरफेस इज अटैच्ड बाय राइजोइड्स, राइजोइड्स लगे हुए हैं उसमें ठीक है, राइजोइड्स लगे हुए हैं ठीक है, यूनिसेल राइजोइड्स है ठीक है। दिस इज हाउ इट इज गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट की बात करते हैं यार, स्पोरोफाइट के केस में आपको दिखाई देगा कि कुछ मेंबर्स में इट इज ओनली कैप्सूल, सिर्फ कैप्सूल है, कुछ मेंबर्स में हो सकता है कि सिर्फ कैप्सूल ही रह गया, जैसे कि रिक्शिया, रिक्शिया ठीक है, रिक्शिया में सिर्फ कैप्सूल है, फुट सीटा है ही नहीं, पर मार्कैंशिया में होगा ठीक है, और फुट सीटा कैप्सूल है, एग्जाम्पल मार्कैंशिया, मार्कैंशिया। क्या समझ में आया हमको? हमको ये समझ में आया कि यार ये जो है थोड़े गरीब से प्राणी है, ये ज़्यादा एडवांस से नहीं है, ये ज़्यादा एडवांस है, इसमें जितने भी मेंबर्स का स्पोरोफाइट होगा उसमें फूड सीटा कैप्सूल होगा, और यहाँ पे कुछ तो ऐसे गरीब से है, रिक्शिया जैसे हैं जहाँ पे है ही नहीं फूड सीटा कैप्सूल, सिर्फ कैप्सूल पड़ा है, और यहाँ पे कुछ मेंबर्स है जिनमें हो सकता है। एक इंपॉर्टेंट बात यार, जो भी हेपेटोकॉक्सिडा है ना, जो भी लिवर वर्ड्स है, इनमें बेचारा जो स्पोरोफाइट होता है ना, वो इतना गरीब होता है कि वो फोटोसिंथेसिस खुद नहीं करता है, फोटोसिंथेसिस खुद नहीं करेगा तो वो खाने के लिए भी गैमेटोफाइट पर ही पहुंच गया, खाना भी चाहिए पानी भी चाहिए, तो ये कैसा होगा? इट विल बी अ पार्शियल पैरासाइट और इट विल बी अ टोटल पैरासाइट, टेल मी, इट विल बी अ कम्प्लीट पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट। तो यार यहाँ पर हम लोग इसको डब्बे में लिख देते हैं, जैसे वहाँ लिखा था ना, यहाँ पर भी आप लोग ऐसी लाइन में लिखें कि स्पोरोफाइट इज अ कंप्लीट पैरासाइट, इट इज अ कंप्लीट पैरासाइट ऑन गैमेटोफाइट एज कैप्स्यूल इज नॉट फोटोसिंथेटिक। कैप्सूल में फोटोसिंथेसिस ही नहीं है, इसलिए ये पूरा का पूरा क्या है, इसलिए पूरा का पूरा इस पर एक कंप्लीट पैरासाइट है, ये डिफरेंस है, इसको लिख लेना अपनी कॉपी में ठीक है। आई थिंक इतनी बात क्लियर हुई, लेकिन अभी कुछ और पॉइंट्स भी हैं, उसके बाद ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, चिल करना, ये वन शॉट था पूरा का पूरा, और इतने अच्छे नोट्स मुझे नहीं लगता तुम्हारे यूट्यूब पर कोई बना रहा होगा, बना रहे होंगे पता नहीं मुझे, मैंने देखे तो नहीं अभी तक यार ठीक है। एनी हाउ चलो, हमें किसी और से कोई लेना देना नहीं है, हम अपनी लाइन बड़ी करेंगे, दूसरे की लाइन नहीं छोटी करेंगे ठीक है ना। तो लेट्स राइट इट हियर, यहाँ पे कौन से चल रहे थे हमारे लीवर वर्ड्स के बारे में लिख रही थी मैं, कॉन्टिन्यू है उसी में, और यहाँ पे लिख रही थी मॉसेस ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे पॉइंट नंबर थ्री हम लोग लिखेंगे सेक्स ऑर्गन्स। मेरे को एक चीज़ बताओ कि अभी जब हमने फ्यूनेरिया वाला किया, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस किया, तो यार सेक्स ऑर्गन्स दोनों एक ही प्लांट बॉडी पे थे या है ना, एक ही पे थे, यानी कि गैमिट्स एक ही प्लांट से बन रहे थे, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मोनोइशियस कंडीशन ठीक है। तो यार यहाँ मॉसेस में सेक्स ऑर्गन्स आर मोनोइशियस ठीक है, तो यार यहाँ पे भी लिखो सेक्स ऑर्गन्स,
या दो दो बारी लिखने के, या लिख लेते हैं हम लोग, लिखेंगे सेक्स ऑर्गन्स मोनोएशियस, मोनोएशियस, मोनोएशियस यानी कि बोथ ये जो भी है एंथ्रीडिया नार्किगोनिया, एंथ्रीडिया, अच्छा एंथ्रीडिया का मतलब होता है मल्टीपल, एंथ्रीडियम मतलब एक, ठीक है, एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनिया, आर्केगोनिया दे आर फाउंड ऑन सेम प्लांट बॉडी, सेम प्लांट बॉडी, एक ही थैलस था, एक ही प्लांट बॉडी पे था, या थैलस बोलो आप। और यार अभी मैंने फ़ोटो दिखाई आपको मार्केंशिया की, आपको मैंने फ़ोटो दिखाई मार्केंशिया की, तो यार मेरे को बताना मार्केंशिया में आपने नहीं देखा कि आर्किगोनियो फोर लिखा है, एंथ्रीडियो फोर लिखा है, यानी कि थैलस दोनों अलग अलग है, यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन, यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन, यानी कि यहाँ पे दो डिफरेंट जगहों से गैमीट्स निकल रहे हैं। ऐसी कंडीशन को हम यहाँ पे डाइशियस बोलेंगे, जब मेल और फीमेल गैमीट दो डिफरेंट प्लांट बॉडी से निकल रहे हैं इसको डाइशियस बोलेंगे, ठीक है। और मार्केंशिया किसका मेंबर था यार, ये मार्केंशिया है, मार्केंशिया, ठीक है, मार्केंशिया, दिस इज फ्यूनेरिया, दिस इज फेगनम, देख लेना एनसीईआरटी में, ठीक है अपनी। तो यार यहाँ पे आ जाओ वापस, तो हम लोग लिखा यहाँ पे ये था, लेकिन इन केस ऑफ दिस वन कुछ मेंबर्स मोनोएशियस है, कुछ मेंबर्स डाइशियस है, लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, सीधा एग्जांपल भी लिख सकते हैं। तो मैं पूरी कहानी नहीं लिख रही हूँ, आई थिंक अंडरस्टूड है इतनी बात, यहाँ पे बस इतना ही लिखना है दोनों टाइप की कंडीशन है, मोनोएशियस भी है डाइशियस भी है, मोनोएशियस भी है, मोनोएशियस भी है और डाइशियस भी है। तो यार क्या मुझे पूरी कहानी लिखने की ज़रूरत है मोनोएशियस की और डेफिनेशन और डाइशियस की? डाइशियस समझ गए ना तुम लोग कि डाइशियस यानी कि टू डिफरेंट, दैट इज सेक्स ऑर्गन्स, या फिर आप बोल दो, या ठीक है मैं नहीं लिख रही हूँ यार, आई थिंक इट इज़ अंडरस्टूड, मैं इसको लंबा कहानी नहीं खींच रही हूँ, जितनी मेन बात लिखनी है उतनी मेन बात लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं सीधे एग्जांपल लिख रही हूँ, समझ तो गए ना तुम लोग, इतने तो तुम स्मार्ट हो यार, मेरे को पूरा भरोसा है, कमेंट में बताना समझ आई, अगर मैं नहीं भी लिखूंगी चलेगा ना, ठीक है। मोनोएशियस का एग्जांपल यहाँ पे आप बस एग्जांपल एग्जांपल लिख लो, क्योंकि एग्जांपल ही तुमसे पूछने वाले हैं। मोनोएशियस का एग्जांपल है रिक्शिया, रिक्शिया एंड, रिक्शिया एंड। डाइशियस का एग्जांपल अभी अभी आपने फोटो में देखा, मार्केंशिया, ठीक है मार्केंशिया, वहाँ जितने भी मेंबर्स हैं वो सब के सब कैसे ही हैं, मोनोएशियस है, वहाँ टेंशन ही नहीं लेनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखते हैं, इसको क्लोज कर दे, हाँ चलो इसको क्लोज कर देते हैं, पॉइंट नंबर थ्री खत्म हो गया है, अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर फोर पे, आ जाओ पॉइंट नंबर फोर पे। अब हम लोग लिखने वाले हैं स्पोर डिस्पर्जल, स्पोर डिस्पर्जल, इधर भी लिखेंगे स्पोर डिस्पर्जल। यार हमने वो चीज़ पढ़ी थी ना बच्चों, कि क्या होता था, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि ये फूड सिटा कैप्सूल है, हमने बोला था कैप्सूल से स्पोर्स निकलते हैं, कैप्सूल के अंदर हमने कहा क्या है, स्पोर मदर सेल है, स्पोर मदर सेल ने मियोसिस करी, मियोसिस का मतलब डबल एरो, ठीक है, और फिर क्या निकले, स्पोर्स निकले। यार याद रखना है स्पोर डिस्पर्जल के लिए एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, वैसे जब आप पुरानी अगर की बुक्स देखोगे ना तो वहाँ आपको मिलेगा, वहाँ पे एक माउथ जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें बोलते हैं पेरिस्टोमियम, पेरिस्टोमियम में टीथ होते हैं, एपिस्टोम 32 ही होती है ऊपर, तुम्हारे 32 का हाफ कितना होता है मूलगी, जो भी है कितना होता है यार, 16 होता है ना कि 14 होता है, जितना भी होता है, ठीक है 16 होता है शायद, जितने 32 ही होते हैं ना। तो यार ऐसे ही इसके केस में ना यहाँ कुछ टीथ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और एपिस्टोम एंडोस्टोम और पेरिस्टोम, वो आपको इतना कॉम्प्लेक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी ने बड़े प्यार से एक लाइन लिख दी है कि यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मेथड है,
इट इज़ एन एलोबरेट एलोबोरेट कॉम्प्लेक्स स्पोर डिस्पर्जल मेथड, स्पोर डिस्पर्जल मेथड. एनसीईआरटी ने बोल दिया कि तुम इसको पढ़ो ही मत, लिख दिया उसने कि कॉम्प्लेक्स मेथड है विच इज़ अभी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन, तो उसको छोड़ दो. बस इतना ही लिख के छोड़ दो कि एक कॉम्प्लेक्स स्पोर डिस्पर्जल मेथड है, बस इतना लिख के छोड़ दो. बस यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट है यार, यहाँ पे ना स्पेशल सेल्स हैं जो स्पोर डिस्पर्जल में हेल्प करती है, जिनका नाम है इलेटर्स. यार आपको ये चीज़ थोड़ी थोड़ी पता है ना कि जो भी सेल पानी को एब्जॉर्ब कर ले, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने से एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है, और अगर किसी जगह पे प्रेशर क्रिएट हो सकता है वो फट भी सकता है. जैसे कि यार रॉक्स और माउंटेन्स को पहले ज़माने में तोड़ा जाता था बाय यूजिंग अ लॉग ऑफ वुड. तो एक पूरे माउंटेन को जैसे डायनामाइट से नहीं उड़ाते थे, एक लकड़ी रखते थे उसमें पानी फेंकते रहते थे. पानी फेंकने से क्या होता था, एक इतना एनॉर्मस प्रेशर क्रिएट हो जाता था जिसको इम्बाइवेशन प्रेशर कहते हैं, और माउंटेन टूट जाता था. तो यार पानी का यूज़ ब्रायोफाइट्स भी करते हैं स्पोर्स को डिस्पर्स करने के लिए, ताकि वो कैप्सूल खुल जाए और वहाँ से स्पोर्स निकल जाए. तो यार स्पेशल सेल्स हैं जिनका नाम है इलेटर्स, नाम याद कर लो इतना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इलेटर सेल्स, इलेटर सेल्स, इलेटर सेल्स, इलेटर, एक गदना लिख लिया मैंने. इलेटर्स हाइग्रोस्कोपिक सेल्स, हाइग्रोस्कोपिक मतलब मॉइस्चर अब्सॉर्बिंग सेल्स, हाइग्रोस्कोपिक सेल्स हेल्प इन, हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल. बस इतना ही लिख रही हूँ, बस और कहानी नहीं लिख रही ज़्यादा लंबी. आपको ये बस डिफरेंस आनी चाहिए कि इलेटर कहाँ पर है, तो आपको याद आ जाए. प्रतिका मैम ने नोट्स में लिखवाया था कि इलेटर तो इस तरफ था, लीवरवर्ड्स वाली साइड था, तो ऐसे याद कर लेना है, बस खत्म. ठीक है, जीवन आसान. लास्ट पॉइंट रहता है, उसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी खुश हो जाएगी, एकदम खुशनुमा ज़िंदगी. लास्ट पॉइंट हमको लिखना है यार ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ ए सेक्सुअल या रिप्रोडक्शन. सिंपल लिख लेते हैं, या लिख लो यार ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इधर भी लिखेंगे एसेक्सुअल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में यहाँ पे बहुत आसान है, इधर कुछ नहीं करना है. इधर आपको सिर्फ दो चीज़ें लिखनी है, एक फ्रैगमेंटेशन होती है और एक बडिंग होती है. अब आपका सवाल आएगा मैम कहाँ पर, कहाँ होती है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. यार आपको पता है जब मैंने ये बताया ना कि ये जो था प्रोटोनिमा, इससे निकलता है स्पोर से, इसमें ना फ्रैगमेंटेशन होती है, ये टूटता है और फिर और लीफी प्रोटोनिमा जो है, लीफी प्रोटोनिमा में, प्रोटोनिमा में सिंपल इतना लिखता है, प्रोटोनिमा में क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन होगी. ठीक है, प्रोटोनिमा में फ्रैगमेंटेशन होती है और कई बारी इसी के ऊपर बड्स भी लगे होते हैं और बडिंग से फिर एक एक नई नई ब्रांच भी निकल आती है. ठीक है, या लीफी गैमेटोफाइट में भी आ सकती है. तो बस इसमें इतना ही याद रखना है, मेन जो है वो आपको इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखना है. यार गैमा कप्स नहीं मैंने आपको दिखाए जो फोटो में भी थे, सो गैमा जो है दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर. गैमा क्या होता है एक्चुअली ना, एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो उस मार्केंशिया पे पड़ा हुआ है. फोटो में देखो ना, मुझे से एक्टिंग करने की क्या ज़रूरत है, अब ये कौन सी ऐसी क्लास है कि यहाँ इमेजिन करवाना मुश्किल है बच्चों को, ये तो आसान है यहाँ पे दिखाना. ये देखना यार, ये देखो एक कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बड़े सुंदर से दिख रहा है, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो सुंदर से कप लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो सुंदर से कप लाइक स्ट्रक्चर, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है कैप कप लाइक स्ट्रक्चर. तो यार ये जो कप लाइक कटोरियाँ सी बनी हुई है, इन कटोरियों को आप क्या बोलते हो यार, गैमा कप बोलते हो. इस गैमा के अंदर मल्टाई सेल्ड एसेक्सुअल बर्ड्स प्रेजेंट है, मल्टाई सेल्ड एसेक्सुअल बर्ड्स. तो यार जब ये गिरेंगे तो फिर से वो डाइकोटमसली ब्रांच्ड ये बन जाएगा, यही बन जाएगा दोबारा मार्केंशिया का थैलस. ठीक है, तो यार हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, हाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग लिख लेंगे कि क्या होगा यहाँ पे, बाय
गैमा कप्स, ठीक है, बाय गैमा। यार मेरे को पहले गैमा कप्स की स्पेलिंग देखने दो, आई एम लिटिल वंडरिंग, लिटिल थिंकिंग अबाउट दिस थिंग कि दो एम होते हैं कि एक एम होता है। हाँ दो एम होता है, ठीक लिखा है। हाँ गैमा, किम्मी किम्मी, हाँ गैमा कप्स, बाय गैमा कप्स, बाय गैमा कप्स। गैमा कप के अंदर क्या है? गैमा प्रेजेंट है विच आर मल्टाइसेल्ड, मल्टाइसेल्ड ए सेक्शुअल बर्ड्स, मल्टाइसेल ए सेक्शुअल बर्ड्स है ये, ठीक है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगी? बाय गैमा कप्स है, और गैमा क्या है? इट इज गैमा ए सेक्शुअल, मल्टीसेल्ड ए सेक्शुअल बर्ड्स, दे डिटैच, डिटैच एंड गिव राइज टू थैलस, न्यू थैलस, ठीक है, न्यू थैलस। तो यार ये मैंने ऐसे बताना था, ये कप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज गैमा कप, और इसके अंदर मल्टाइसेल्ड ए सेक्शुअल बर्ड्स, दिस इज गैमे। तो अगर हवा भी उड़ा के ले जाएगी ना इनको, इनको अगर हवा भी उड़ा के लेके जाएगी और कहीं गिरा देगी, तो वहाँ पे क्या होगा यार, दोबारा से ये क्या करने लग जाएंगे, पूरा का पूरा थैलस बनाने लग जाएंगे। सो दिस इज़ अबाउट द एंटायर ब्रायोफाइट, ख़त्म हो गया तुम्हारा, ठीक है, खुश हो जाओ। और बस अब लास्ट में आप ना एक बारी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देख लो, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, इसकी ज़्यादा सवाल नहीं आते लेकिन हमें भरोसा नहीं है नीट पर। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में आप देख लो, सबसे पहले तो यार ब्रायोफाइट के बारे में क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, ब्रायोफाइट्स आर इन जनरल लिटिल इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, मतलब ज़्यादा है नहीं, बट सम मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेशियस, खाना देते हैं फॉर हर्बेशियस मैमल्स बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स, मतलब खाना देने के लिए, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर मैं स्टार बना रही हूँ, स्पीशीज ऑफ स्फेग्नम विच इज़ अ मॉस प्रोवाइड पीट दैट हैव बीन लॉन्ग यूज एज फ्यूल। यार आपको पता है, जैसे मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा, यार स्फेग्नम बड़ा मस्त है, स्फेग्नम ही एक ऐसा है जिसकी ज़िंदगी में थोड़े बाहर है। यार सुनो, स्फेग्नम पता क्या करता है, जैसे यार मान लो आपने कभी कोई प्लांट ट्रांक दिया है किसी को गिफ्ट में? नहीं मैम, हम तो रोज़ देने वाले हैं, हम तो बुके देने वाले हैं, प्लांट की बात कैसे कर लेते हो हमारे साथ? सब समझ आ रहा है मुझे, चलो एनी आओ, कहने का मतलब है यार चलो तुम नहीं देते होगे, कोई बात नहीं यार, लेकिन कभी अगर आगे जाके तुम कभी कभी किसी को प्लांट गिफ्ट करने जाओ ना, या किसी ट्रांसपोर्ट कराने जाओ, तो प्लांट को कैसे कवर करते होंगे, कभी सोचा है क्या? प्लांट को पेपर से कवर करते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। कपड़े से कवर करते होंगे? हाँ हो सकता है। आपको पता है कपड़े से भी बेटर होता है अगर स्फेग्नम को यूज़ किया जाए। स्फेग्नम ना बड़ा सूखा सूखा सा प्लांट पौधा होता है जो ना मॉइस्चर बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब कर लेता है, तो इसको एक तो वो काम करने के लिए यूज़ करते थे ट्रांसशिपमेंट ऑफ प्लांट्स के लिए, और पहले ज़माने में जब कॉटन ज़्यादा अच्छे से बना नहीं ना था, तो कई बार इसी को घाव पे रख देते थे, कॉटन को, कॉटन की तरह स्फेग्नम को, और इसी को कई बार फ्यूल की तरह भी यूज़ कर लिया, फॉसिल फ्यूल की तरह। ये देखो, यूज एज फ्यूल एंड इट इज़ ऑल्सो यूज एज पैकिंग मटीरियल फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटीरियल, लिविंग मटीरियल जैसे कि प्लांट हो गया, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर, पानी को बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है होल्ड करने की, इसलिए। सो मॉसेस अलॉन्ग विद लाइकन्स आर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू कॉलोनाइज रॉक्स, मैंने पहले करवा दिया था, देयरफॉर दे आर ऑफ ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, इकोलॉजी के नज़रिए से लाइफ स्टार्ट हुई थी। सो दे डिकम्पोज रॉक्स मेकिंग सबस्ट्रेट सूटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ हायर प्लांट्स, सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स ऑन द सॉइल दे रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ फॉलिंग रेन, ठीक है, एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन रोकते हैं। द ब्रायोफाइट्स आर डिवाइडेड इनटू लिवर वंस, ठीक है ये हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आ गया, ये इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस थी। जाते जाते ना मुझे चैन नहीं आएगा अगर मैं तुमसे एक सवाल ना पूछ के जाऊँ, तुम्हारा दिमाग के थोड़े से चक्र ना खोल दूँ, मुझे थोड़ा चैन नहीं आएगा। तो अब तुम्हें सिलेक्ट करना है, बॉक्स वाला नहीं देती हूँ रुको, अभी अभी आप मुझे बताओगे, सिलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू प्लॉइडी, ठीक है,
सीधा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं दिया मैंने, छोटा दिया है। मुश्किल बनाओ ज़्यादा क्वेश्चन फिर तुम रोने लग जाओगे, है ना। चलो कोई बात नहीं, करते हैं हम लोग क्वेश्चन को। चलो यार ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। फुट सेटा काइलेप्ट्रा कैप्स्यूल। चलो इसी बहाने तुम्हारा कॉन्सेप्ट और रिवाइज हो जाएगा। बताओ क्या आंसर है, बताओ क्या आंसर है। सिलेक्ट द ऑड वन आउट रिस्पेक्ट टू प्लॉयडी। ये मैंने बड़ा इजी क्वेश्चन दिया भगवान की कसम। तुम ऑफलाइन में होते ना तो मैं इतने गंदे गंदे क्वेश्चन देती, इसलिए नहीं कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम है, इसलिए कि तुम ज़्यादा दिमाग चला लो, जितनी तुम गलतियाँ मेरे सामने कर लो उतना बहुत अच्छी बात है, और ताकि नीट में गलती ना हो, है ना। तो यार कोई बात नहीं, इजी क्वेश्चन करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। क्वेश्चन था सिलेक्ट द ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू प्लॉयडी। यार मैंने कुछ नहीं बोला कि आप हैप्लॉयड सोचो या डिप्लॉयड सोचो, ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो सोचना है मेजॉरिटी में क्या दिया है। अपना दिमाग लगाओ यार, हमने अभी अभी पढ़ा कि फुट क्या होगा, हैप्लॉयड तो है नहीं, ये तो स्पोरोफाइट का पार्ट है, ये स्पोरोफाइट है, लिखो अपनी कॉपी में, ये स्पोरोफाइट है, ठीक है। तो यार यानी कि ये 2N है। सीटा किसका पार्ट है, ये भी पार्ट है स्पोरोफाइट का, ये भी क्या है 2N है। कैलेप्ट्रा कहाँ का है, यार कैलेप्ट्रा भी स्पोरोफाइट का ही पार्ट है। इट इज़ अ कवरिंग ऑफ कैप्स्यूल, इट इज़ अ कवरिंग ऑफ कैप्स्यूल, ऑल्सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, लेकिन इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम वेंटर कैनाल सेल। देयरफॉर इसकी प्लॉयडी क्या है, इसकी प्लॉयडी है N। कैप्स्यूल क्या है, कैप्स्यूल अगेन इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, और स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट 2N होता है। तो क्या है आंसर इसका, द आंसर इज लाउड एंड क्लियर, द आंसर इज ऑप्शन 3। तो यार एक कैलेप्ट्रा वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के इसको डाला ताकि आपका कॉन्सेप्ट एक बार फिर से दिमाग में एकदम कॉपी पेस्ट हो जाए। तो यार बच्चों ये था आज हमने क्लास में बहुत कुछ सीखा, पूरा ब्रायोफाइट कर लिया। यार ब्रायोफाइट मैं आपसे उम्मीद करूँगी कि एक बार ही चाहो तो बस अब NCERT से रीड आउट कर लो, और कहीं से मत पढ़ना, कोई बुक से नहीं पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना। ये मैंने पूरा यार अपना जैसे मैं नोट्स में बनवाती हूँ बच्चों को, मैंने सब दिया है इसके अंदर, बल्कि एक्स्ट्रा ही दिया है, फोटो वोटो भी डाल के दे दिए, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। दिस हैज़ गॉट एवरीथिंग, ठीक है। चलो यार मज़ा आया तुम्हें क्वेश्चंस करा के और तुम्हें पढ़ा के। आई एम वेरी ग्लैड दैट आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू टीच यू गाइज ऑन दिस प्लेटफॉर्म यूट्यूब। मज़ा ही आ जाता है यार, आई हाय खुशी हो जाती है जब भी मैं बोलती हूँ कि ये मेरा खुद का चैनल है। चलो यार मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तुम लोग मुस्कुराते रहो, खुश रहो, जय हिंद बच्चों। और यार जोश ठंडा मत करना, आप में बहुत कैपेबिलिटी है, आपको पता भी नहीं है, बस आप सही एंगल से देखो अपने आप को, उस वाले एंगल से मत देखो कि मेरे में क्या नहीं है, क्योंकि यार गलतियाँ निकालने वाले लोग तो है ना, ठीक है। तो इसलिए चलिए खुश रहिए और अच्छे से पढ़िए, और यार सिलेक्शन ज़रूर होगा, जी हाँ आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। बाय बाय।